मुझे डर लगता है, मैं तो बंदरों को भी मैं डरता नहीं हूँ उनसे, यहाँ तक कि शिव जी का त्रिशूल से भी मैं डरता नहीं हूँ, केवल मैं एक चीज से मैं डरता हूँ, केवल किसी वैष्णव के चरणों में कहीं अपराध ना हो जाए तब तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। आप कौन है महात्मन, उनके चरण में पड़ गए तो किस प्रकार से देखते हैं आप? आप उसी मत में मत होकर के आप उस इंद्र के वशीभूत होकर के आप सबके शासन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति संसार में जो अपने इंद्रियों के द्वारा वशीभूत होकर के वो अपने को सबके प्रभु समझते हैं, ये उचित नहीं है, ये सर्वथा गलत है। इसलिए प्रभु तो एकमात्र भगवान है, सभी भगवान के स्वरूप सब सेवक है, उनके प्रति कभी उनके कष्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें क्या है कि जो हम क्या करते हैं, हमारे एकादश इंद्रियां हैं, हैं उसमें पांच कर्मेंद्र पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, क्या है बाघ पानीपात पायु उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रिय हैं, और चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, और एक मन है एकादश इंद्रिय है। जीव इसी जो पांच प्रकार जो इंद्रिय है कर्मेंद्रिय है इसी के वशीभूत होकर के जीव संसार में कर्म करते हैं, उस कर्म करते करते जीव उसी कर्म में वशीभूत होकर के उसी में अहंकार में आकर के अपने को कर्ता समझने लगता है। लेकिन ये किसी भी साधु साधिका के लिए एक कल्याणदायक नहीं है। तो वहाँ भरत महाजी ने बहुत सी कथा उन्होंने सुनाया, तो उन्होंने सुन करके रोहगुण राजा को बहुत ही अच्छा लगा, तो उन्होंने भरत महाजी के चरण में पढ़ करके उनसे बहुत कुछ तत्व उन्होंने सीखा। सीखने का बात कहा उन्होंने, आपने ये जो तत्व हमको सुनाया है इसमें से थोड़ा सा क्लियर करके मुझे बता दीजिए कि ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति जो संसार में पड़े हुए हैं इसी इंद्रियों के वशीभूत होकर के इनके संसार से उद्धार होने का क्या उपाय है? इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप यदि अच्छा करके समझा दें कि संसार में जीव क्यों दुख कष्ट पाता है। तो उन्होंने भरत महाराज जी ने एक उपाख्यान सुना है, उसके कहते हैं भवा टवी उपाख्यान। भवा मतलब संसार, अटवी मतलब वन, संसार रूपी वन में जो रहने वाले व्यक्ति है उन्हीं के लिए यह कथा उन्होंने सुनाया है। मैं कुछ संक्षिप्त में थोड़ी देर में समाप्त कर दूं महाराज कथा के 8 बजे। तो उन्होंने सुनाया कि देखो इस संसार में जीव कर्म करते हैं, कर्म करते जो अर्थ उपार्जन करते हैं उसके संसार में जो जितने कुटुंब है पत्नी स्त्री पुत्र आत्मसन जितने भी है वो क्या करते हैं उस धन संपद को अपने क्या करते हैं उसका अपने सब कुछ मेहनत करते हैं वो व्यक्ति बाड़ी के घर के जो मालिक है और उसके सब लोग जबरदस्त उनसे छीन करके लेते हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं इस संसार में जो जीव है इस संसार में पढ़ करके उनके पास एक संपद है। क्या संपद है पहले रूपक सुना देता हूँ फिर उसके बाद ही उसका समाधान। तो कहते हैं कि कुछ व्यक्ति अपने वाणिज्य करने के लिए निकले हैं, उनके पास बहुत ही संपदा था लेकिन घूमते घूमते किसी एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर जब प्रवेश कर गए कहाँ जाएंगे, विशाल जंगल है कहाँ जाएंगे, अभी जंगल के अंदर में उसका रहना पड़ गया। और जंगल में रहे तो क्या करें, उन्होंने कभी किसी प्राणियों के साथ दोस्ती करके उनके साथ में रहने लगे, कभी बंदर के साथ में दोस्ती करके, लेकिन रहते उनके साथ धोखा भी खा जाते हैं तो फिर और किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं, फिर वहाँ से धोखा खाते हैं तो किसी चिड़िया के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे करके जंगल में रहने लगे। तो ऐसे करके वह रहने लग गया, फिर उन्हीं के साथ में रहते रहते वो अपने वहाँ संसार में बसा लिया उन्होंने। तो एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में ऐसे घूम रहे थे और इतने में एक शेर पीछे से
आया उनको आक्रमण करने के लिए। वो भागते गए भागते गए भागते भागते देखा कि एक सूखा कुएं है, उस कुएं में कुछ पेड़ है, और उन्होंने उस पेड़ के डालियों को पकड़ करके उन्होंने उसमें लटक दिया। देखा कि नीचे एक अजगर सर्प है, वो अपने मुंह खोल कर रखा कि आ जाए तो उसके मैं निकल जाऊँ, और ऊपर में वो शेर आ करके वैसे पांजा मारे कि उसको कैसे भी हम अपने उसको पकड़ लें। इतने में हुआ क्या कि उस डालियों में एक डाली में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, तो वो जब उसमें कुछ डाली को चोट लगा तो उसमें शहद टपक रहे थे, और उन्होंने वहाँ जीव निकाल करके उस शहद को भी खा रहे थे हैं। और वो जब जितने भी मधुमक्खी है वो भी शरीर में आकर उसको काटने लगा है, और जिस दोनों डाली को पकड़ कर रखा था उस डाली को दो चूहे काटना शुरू कर दिया, एक सफ़ेद चूहे एक काले चूहे, उसका भी वो काटना शुरू कर दिया। अभी देखिए जिसका दोनों डाली काट जाए तो नीचे काट गया तो नीचे गिर जाए तो खा जाएगा, अजगर निकल लेगा। फिर भी उनका ये उनका समझ में नहीं आ रहा कि तब भी वो चाहते क्या वो शहद को आ क्या मधु है क्या मधु है, ये उसको पान कर रहा है। चारों ओर से मृत्यु है, ऊपर में भी शेर है नीचे सांप है, चूहे डाली जो काटे हम जिसके सहारा में है वो सहारा वो काट गया तो नीचे गिर गया तो मेरे समाप्त है, फिर भी हम मधु का आस्वादन करना चाहते हैं। इसका मूल विषय क्या है, इसका कहते हैं संसार में हम जितने भी प्राणी हैं हमारे पास में एक धन था, वो धन क्या है भगवान के भजन करने के लिए जो भक्ति रूपी धन था, लेकिन हम इस संसार में आए इस संसार रूपी अरण्य में हमने प्रवेश किया, देखा मेरे जैसे अभी बहुत सारे व्यक्ति है, हाँ उन्हीं के साथ में रह गया। कोई तो वो जैसे चिड़िया के उदाहरण दिया है, बंदर के उदाहरण कौन है, कहते बेटा बेटी पत्नी कुटुंब जितने भी है ये सब लोग हैं, हैं इन्हीं के साथ में रहने लग गया है। रहते रहते मैं संसार बस गया, लेकिन क्या है कि अब काल तो हमारे ऊपर में मंडरा रहा है, किसी भी समय कैसे आकर्षण करके ले जाएगा। वो शेर कौन है, वो काल है, वो काल हमारे पीछा कर रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि किसी भी समय हमारा मृत्यु हो सकता है, लेकिन हम संसार में स्त्री पुत्र विषय में हम ऐसे डूबे हुए हैं। वो स्त्री पुत्र विषय क्या है, शहद है, हम उसी को पान कर कैसे दिन रात रूपी दो चूहे हमारा आयु को हरण कर रहे हैं, किसी भी समय हमारा मृत्यु हो सकता है, हैं। और उसमें वो जो नीचे भी जो अजगर है वो भी काल है, और इधर दिन रात रूपी ये चंद्र सूर्य हमारे आयु का प्रतिदिन हरण करते जा रहे हैं, और इधर में मधुमक्खी के छाता दानी संसार के जो विषय का जो सुख है हम उसी का सदन में लगे हुए हैं, और उसमें नाती पोता है उनके वो काटना मतलब क्या होता है, हमें ये चाहिए वो चाहिए सो चाहिए वो दो सो दो ऐसा करके वो कष्ट हो रहा है संसार में, फिर भी हम उसी संसार का समझ रहे हैं यही हमें सुख देने वाला है, लेकिन ये संसार सुख देने वाला नहीं है। इसलिए भरत महाराज आखिरी में कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति, वहाँ वो श्लोक में बताया गया है कि रोहगण महाराज का बताया गया है कि महत्पदो रजोभिषेकम, जो ऐसे महत्पुरुष सदगुरु के चरण आश्रय करके जो भगवान के भजन करते हैं वही व्यक्ति यह संसार से उद्धार हो सकता है, है? इसलिए हम संसार में जो भी कुछ कर रहे हैं आप सभी लोग अपने हृदय में हाथ रख कर सोचिए वास्तव में क्या वास्तव में सुख है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं क्या इसमें शांति मिलने का कोई संभावना है, नहीं है। इसलिए यह संसार क्या है, एक दुखदायक, यह संसार क्या अशाश्वतम दुखालयम, अशाश्वतम मतलब अनित्य है, जो चिरदिन रहने वाला नहीं है, आज काल परसों वर्षों लाखों वर्षों एक दिन ध्वंस ही हो जाएगा। हमारा शरीर कितने साल, मुश्किल से 100 साल, वो भी नहीं अभी कितना गया 60 में
आ गया 60-70 तक, उसके बाद एक दूसरे छूटना तो ही है, लेकिन हम इतने थोड़ी परमाणु प्राप्त करते हैं, हम कितने आशा लेकर के हम बैठे हैं, हम वो करेंगे सो करेंगे हैं, लेकिन वो आशा पूरा नहीं होता है। क्यों? ये संसार जो है ये अपूर्ण संसार है, अपूर्ण संसार में जो भी कुछ वस्तु है वो अपूर्ण है, उसमें कभी पूर्णता लाभ नहीं हो सकता है। पूर्णता तभी लाभ हो सकता है केवल जब पूर्ण पुरुष जो भगवान उन्हीं के चरण में जब साधक साधिका जब साधन भजन करते सद्गुरु आश्रय करते हुए भगवान के भजन करते हैं तब कहीं जाकर के शांति मिलती है। क्यों? बैक टू गॉड, बैक टू होम। ये हमारा घर नहीं है, नित्य स्वरूप सवार है गोलोक की स्थिति, नित्य गोलोक वृंदावन ही हमारा घर है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे रहे संसार के दुख। भगवान के भूल के आना ही इस संसार में हमारे दुख के कारण है, तो इस दुख के यदि निवारण करना क्या करना है? स्मर्तव्य सततंग विष्णु। एक बार हाथ उठाकर बोले सब बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम भागवत में ये जो कथा उन्होंने सुनाया है बहुत बढ़िया कथा है। इसलिए श्री सचदेव लास्ट समय जो भजन के लिए जा रहे थे सारे बच्चों को उन्होंने बुलाया, जब कितने अच्छी शिक्षा है, बोले देखो बच्चों मैंने तुमको जन्म दिया है, जब जन्म दिया है मेरे भी तुम्हारी प्रति कुछ कर्तव्य है। बोले क्या कर्तव्य है? कि स्वयं ऋषभदेव कह रहे हैं, बोले वही गुरु गुरु है, वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही देवता देवता है, जो हमें भगवान के चरण की भक्ति की हमें सिखा दे। कि तो वो पिता पिता नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो बंधु बंधु नहीं। हम जो भगवान को भूल करके अनादि काल से ये जो 84 लाख योनि में जो भटक रहे हैं, अगर हमें इससे उधार मित्रा को पास में आती है, बोले भैया भाभी भैया जंगल जीवा खेलेगा तो नशाबाजी करेगा तो उसका पाप भी तुम्हें लेना पड़ेगा। इसलिए ये मत समझो जन्म दे करके सब कुछ हो गया, नहीं। इसलिए ऋषभ देव अपना बच्चों को कहते, बोले बच्चों मेरी कुछ कर्तव्य तुम्हारे प्रति, अभी मैं जंगल में भजन करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये कर्तव्य को पूरी करके जाना चाहता हूँ। तब ऋषभ देव उनको ये सिखा देते हैं, बच्चों ये जीवन पा करके भजन करो, अगर भजन नहीं करोगे तो, अगर मैं पिता होकर के तुमको भक्ति की शिक्षा नहीं दिया तो मेरे जन्म देना फिकार है, मेरा जन्म नहीं देना देना नहीं देना बराबर है। इसलिए आप लोग भी बच्चों को कौन सा शिक्षा देना, क्या शिक्षा देना? भजन की शिक्षा देना। घर में नियम बनाओ, बच्चों को बोलो खाने से पहले सवेरे उठ करके प्रमाला जप करे, क्या करे? हरि नाम करे, पहले भजन उसके बाद में भोजन है, पहले भजन उसके बाद में भोजन। आप बोलो कि बेटा बात नहीं सुनता, घर घर की कहानी, बेटा बात। अब ये बताओ अगर बच्चे को 6 बजे स्कूल जाना, नहीं तो 7 बजे स्कूल जाना, आप लोग क्या करते हो? 5 बजे उठा देते, स्नान जोर जबरदस्त स्नान कराते हो और उसको श्रृंगार करके कपड़ा कपड़ा पहना करके उसको लेकर के बस नहीं कोई गाड़ी में बैठा करके स्कूल भेजते कि नहीं? बोलो भेजते है ना। देखना वही बच्चा जब जाता है लिखी पढ़ी जाता है ना, पिता माता को क्या कहता है? तो बेकूफ तू क्या जानते हो, हमने PhD की इंजीनियरिंग की, तुमने अनपढ़ हो। अरे जिस बच्चे को तुम इतने लिखा पढ़ा सिखाती हो, बच्चे लास्ट में तुमको गाली देती है, उसी के लिए तो तुम स्कूल भेज सकते हो। लेकिन जो संस्कार देने से तुम्हारी सेवा करेगा बच्चा, क्या वो संस्कार नहीं दे सकते हो? इसलिए पहले नियम बनाओ, जब तक तुम एक माला नहीं करोगे तुमको भजन नहीं मिलेगा। आप मुसलमान बच्चों को, किसी मुसलमान बच्चे को पूछ लो, अपना पुराना बोलो। मैंने गया था जयपुर में कथा करने के लिए, देखा एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था 7 साल की। मैंने तेरा नाम क्या? उसने नाम बताया। मैंने कहा तेरे को पुराण आते हैं? छाती फुला करके बोले हाँ मेरे को पुराण आती है। मैंने बोलो झटा झटा बोलना शुरू कर दिया। हमारे हिंदू किसी बच्चे को बोलो गीता का कोई एक श्लोक बोलो, बच्चों को क्या पिताजी को पूछो ना गीता का कोई श्लोक जानते हो?
बोल सकते हो, कोई नहीं बोल पाएगा। लेकिन कौन हीरो का नाम पूछो, हीरोइनी का नाम पूछो, सारी दुनिया उल्टा पुल्टा सब सीख कर। इसलिए धीरे धीरे हमारे हिंदू धर्म ना धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आपको पता होगा कि नहीं, ये मुसलमान और क्रिश्चियन हर साल में 10,000 को प्रचार करते हुए हिंदू 10,00,000 हिंदुओं को मुसलमान बना रही, 10,00,000 हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रही प्रचार कर रही। ये कौन, ये मुसलमान और हिंदू लोग, मुसलमान और क्रिश्चियन है। कारण क्या है, हमारी अपना धर्म का प्रति कोई श्रद्धा नहीं, यही कारण है। इसलिए आप लोग भी क्या करो, खुद खुद भजन करो, बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार डालो, बच्चों को बोलो सवेरे उठ करके रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए, पिता माता की आदेश पालना कर। लेकिन कब करेगा, कब करेगा बच्चे, आप जो भजन करोगे ना, आपको देख करे तो बच्चा सीखेगा ना। अगर सवेरे उठ कर स्वयं चाय चाय बोलना शुरू कर दोगे, न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे, टीवी देखना शुरू कर दोगे, बच्चे कहाँ से संस्कार पड़ेगा बच्चे को। सवेरे उठ करके अगर तुम भजन करोगे, रामायण पढ़ोगे, गीता पढ़ेगे, तब तो बच्चे तुमसे देख कर सीखेगा ना। सीखेगा कहाँ से, पहला गुरु तो पिता माता है ना, पहला गुरु तो कौन है, पहले माता पिता है। सबसे संस्कार माता पिता से ही संस्कार पड़ता है। इसलिए भागवत हमें इतने अच्छी अच्छी शिक्षा भागवत हमें प्रदान करती है। इसमें दूसरी शिक्षा है, भरत महाराज जो भारतवर्ष नाम पड़ा, इनकी वजह से पड़ा भारतवर्ष। इसलिए इन्होंने एक हिरण का प्रति आसक्ति हो गए, लास्ट में उनको कौन सा जन्म लेना पड़ा, हिरण का जन्म लेना पड़ा। फिर उन्होंने चूंकि पहले जन्म में भजन किया था, ये भजन नष्ट नहीं हुआ है, पहले भजन किया था ना, भजन कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए मीरा कहती है ना, दिन दिन बढ़त सवाय पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भक्ति कभी खत्म नहीं होता, भक्ति बढ़ती है। चूंकि भजन करते थे, वो संस्कार पूरा के पूरा रहा, उसने हिरणों को साथ में नहीं मिला। जहां पर संत लोग बैठ करके हरिचर्चा करते थे वहीं पर बैठता था। जब संत लोग प्रसाद पा करके पत्ता फेंक देते थे, ये उसको चाट चाट कर खाता था। क्यों, जानता है संतों को प्रसाद अगर ग्रहण करेंगे तो हमारी संस्कार बनेगा। इसलिए शिक्षा देते हैं, भैया घर में कुत्तों को मत पाला करो, क्योंकि कृष्ण अभी बता रहे थे ना, अंतिम समय में जैसे सोच सोच करके हम शरीर छोड़ेंगे, हमारी जन्म भी वैसे ही होगा। इसलिए ये जीवन भगवान दुर्लभ जीवन दिया है, ये जीवन को इधर उधर विषय में नहीं लगानी चाहिए। इसलिए पालो तो किसको पालो, गैया को पालो, कुत्ते को क्यों पालोगे, किसको पाले, गो रखा करो, गैया को पालो, जिसमें हमारी 33 करोड़ देवता को जिसमें निवास है, जिनकी गो और मूत्र में, जिनकी गोबर और मूत्र में लक्ष्मी नारायण की जिसमें निवास है, पालना तो उनको पालना करो ना, कुत्तों को पालना करेंगे। हाँ, ये शिक्षा उन्होंने दिया है, इसलिए इनकी जीवन में। और तीसरी शिक्षा उन्होंने दिया है, जिस समय उनको पिताजी ने उनको पढ़ाने के लिए कोशिश की, उनने जान बुझ कर पढ़े नहीं, बोले क्यों नहीं पढ़े, उनको 3 जन्म के बाद याद है। पहले वो कौन थे, संपूर्ण भारत का राजा थे, पहले हमारे भारत का नाम था अजनवर्ष। लेकिन जब ये भारत खंड जो 9 भाग में संपूर्ण पृथ्वी को विभक्त कर दिया, इनकी हिस्सा में ये भारत खंड आया, आने पर इनकी नाम जो पड़ गया, भारत नाम पड़ा। इसलिए उनको पता है मैं भारत का राजा था, लेकिन भजन करने के लिए तो गया, लेकिन हिरण से आसक्ति होने का नाते मेरे को ये हिरण जन्म मिला। फिर हिरण जन्म के बाद में फिर भजन किया, संतों को प्रसाद ग्रहण किया, तो फिर उन्होंने जड़ भरत रूप में आए, बोले मेरे आसक्ति के कारण मेरे 3 जन्म नष्ट हो गया, ये जीवन को और मैं बर्बाद नहीं करूंगा। अगर ज्यादा लिखाई पढ़ाई करूंगा फिर पिताजी क्या करेंगे, फिर नौकरी चाकरी करके फिर शादी करा देंगे तो फिर माया के संसार में फिर मैं बस जाऊंगा। इसलिए उन्होंने जान बूझ करके पढ़ाई लिखाई नहीं किया, भगवत भजन किया, भगवान स्मरण किया, और भगवत स्मरण करते 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 ये संसार से पार होकर के श्री ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त किया। इसलिए भरत महाराज शिक्षा देते हैं, ये जीवन पा करके हमें ये जीवन को बर्बाद नहीं करते हुए ये जीवन को भगवान की भजन में लगा दो, तभी ये जीवन की सार्थकता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय।
श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बढ़िया की जाना श्री यात्रा पर नगरी बाबा इधर आ जाएगा श्री राम
आप लोग उस तरफ पहुंचे,
उधर धीरे धीरे उधर चली जाते हरे कृष्ण आप लोग भी थोड़ी थोड़ी आगे आ रहे थोड़े थोड़े धीरे धीरे आगे आ जाओ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ फिर आगे नहीं थोड़े थोड़े आगे एक बार हाथ हरे कृष्णा जोर से बोलो बोला भक्ति विधान श्री राधा रमन महाराज जी के श्री चरणों में अपना आनंद कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने शिक्षा गुरुदेव श्री नवीन किशोर दास प्रभु जी के श्री चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का आदेश हुआ है कुछ को बोलने का सामर्थ्य नहीं है, फिर भी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान कर मुझे अधम पापी से कुछ बुलवाने की कृपा करें। जो भी मुझे प्रदान करेंगे मैं उसे बोलने की चेष्टा करूंगा। आज सुबह मॉर्निंग मंगल आरती के बाद गुरुदेव कथा कर रहे थे। प्रभुपाद जी से कुछ भक्त क्वेश्चन करते हैं कि जो मठ मंदिर में सदा नित्य हरिनाम कीर्तन होता है क्या वह सही है? तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ निश्चित ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। इसी उपाख्यान में अभी हमारे भक्तिदान श्री राधारमन महाराज जी फिर पाँचवें स्कंद की भरत महाराज जी कथा सुना रहे थे। उसके बाद जब यह स्कंद आगे चलता है तो उसमें सुखदेव महाराज जी जो परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं वे उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। उसमें बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी जिस प्रकार के पाप करते हैं वे उसी उसी प्रकार के नरक में जाते हैं। जब उन्होंने बहुत प्रकार के नरकों का वर्णन किया, उनकी यातनाएं वर्णन की, उनमें कैसे कैसे यातनाएं प्रदान की जाती है, किस किस पाप की कौन कौन सी होती हैं, तो ये बात सुनकर परीक्षित महाराज बहुत अचंभित हो गए कि इस पृथ्वी पर तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पाप नहीं करता है। है कोई सा आप में से जो पाप नहीं करता हो? आप नहीं भी करोगे फिर भी आपसे पाप होंगे। मैंने संतों से सुना है कि 5 प्रकार के पाप कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ सकता, वो होंगे ही होंगे। कौन कौन से? आप सांस लेते हैं, सांस में कितने जीव होते हैं, वे आपकी सांस से मरते हैं। क्या कोई इसको बंद कर सकता है पाप को? कोई नहीं बंद कर सकता। आप चलते हैं, आपके पैर के नीचे कितने असंख्य जीव मरते हैं, क्या कोई रोक सकता है उन पाप को? नहीं रोक सकता। आप जो अनाज खाते हैं उस अनाज के साथ कितने जीव पीसते हैं, क्या कोई रोक सकता है उन तरह के पाप को? इस तरह के बताया है 5 तरह के पाप, इनको कोई नहीं रोक सकता। और जब पाप करेंगे तो आपको नरक की यातना भी भोगनी पड़ेगी। तो परीक्षित महाराज जी हम जीवों का कल्याण चाहने के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज जी से यही प्रश्न कर रहे हैं कि इस संसार के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो जब परीक्षित महाराज जी ये प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उनको बहुत सारे आसन बताते हैं कि इस प्रकार से करने से, मतलब कि पश्चाताप करने से उन पापों का प्रायश्चित हो सकता है। पश्चाताप कैसे? किसी ने बड़ा पाप किया उसके लिए बड़ा पश्चाताप, किसी ने छोटा पाप किया उसके लिए छोटा पश्चाताप। प्रायश्चित जी, प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित करने से उसके जो पाप करने की वो आया था आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। परंतु
इस कलयुग के शरीर की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रायश्चित भी कर सके। प्रायश्चित कर लेगा परंतु पाप करने की वृत्ति कैसे खत्म करोगे? अन्न खाना छोड़ दोगे? सांस लेना छोड़ दोगे? चलना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते ना, पाप तो होते रहे ना कंटिन्यू, वो कैसे बंद करोगे आप लोग? तो इसी उपाख्यान में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को छठे स्कंद में अजामिल की कथा सुना रहे हैं कि कितने भी पाप कर लो, करने लो, जो हो रहे हैं, जो पाप हो रहे हैं, गुरुदेव बताते हैं कि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ है कि एक पापी की इतनी सामर्थ नहीं है कि वो पाप कर सके, इतनी सामर्थ उसकी नहीं है कि वो पाप कर सके। भगवान के एक नाम में इतनी ताकत है कि वो उसके समूल इस जन्म के क्या, वो जितने भी पीछे, सुबह हमारे भक्तेश्वर राधारमण महाराज जी बता रहे थे कि हमारी मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं, इससे पहले वो 80 लाख योनियों में भ्रमण करके आ चुका है। तो 80 लाख योनियों में कितने पाप हुए होंगे? कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, हुए होंगे। और जो 4 लाख योनि में भी मनुष्य की बहुत सारी योनियां, 3 प्रकार की उन्होंने बताया कि किस किस प्रकार के मनुष्य होते हैं, किस प्रकार के, उन्हें 3 विभागों में विभक्त किया गया है। सुबह बताया ना 3 प्रकार, हाँ, तो इसमें आप नहीं कर सकते। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी जी नाम की महिमा का वर्णन करते हुए छठे स्कंद में अजामिल की कथा सुना रहे हैं कि एक बार कन्याकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण, अपना त्रिकाल संध्या वंदन, संतों की सेवा, यह सब उसका डेली रोज का नियम था। एक दिन देव कार्यवश या किसी भी कारणवश वह जंगल में जा रहा था। जंगल में जाते हुए उसने एक शूद्र और एक सुराधनी को शराब के नशे में धोते हुए संग करते हुए देख लिया। जब उसने करते देख लिया तो उसकी जो मन था वो विचलित हो गया और वह अपने जो भजन था उस कारण भी अपने मन को नहीं समझा पाया। जब वह घर पर आया उसके मन में वही सब कुछ चलता रहा। उसने, उसकी एक सुंदर पत्नी भी थी, उसने उसको त्याग कर उस वैश्य से संग करने का निश्चय किया और वह डेली उसके पास जाता तथा उसका उसके ऊपर अपना सब कुछ धन को व्यर्थ करने लगा। समय बीतने के बाद उसने अपने घर से अपनी पत्नी को निकाल दिया था, उस वैश्य को अपने घर पर ले आया। समय बीतने के बाद कि उसी गांव में कुछ संत लोग आए, संत लोग आए तो उन्होंने गांव से पूछा कि इस गांव में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा सज्जन है जहां हमको कुछ भोजन या कुछ स्थान रुकने का स्थान मिल सकता है। तो गाँव के लोगों ने सोचा वो उससे सब दुखी थे तो उसने कहा था इन महात्माओं को उसी के पास भेज दो, वहीं उसका जो कुछ होगा वहीं हो जाएगा। तो उन्होंने बता दिया हाँ एक सज्जन है अजामिल नाम का, वहाँ पे उसका घर है, वहाँ चले जाओ, वह बहुत बड़ा पैसे वाला भी है, वहाँ आपका सब कुछ जो आप कार्य चाहते हो वो हो जाएगा। जिस समय वे ब्राह्मण संत लोग उसके घर पर गए तो उस समय अजामिल घर पर नहीं था, उस समय उसकी जो पत्नी वैश्य थी उसको लाया था वो थी। तो उन्होंने उससे कहा कि हमें क्या कोई कुछ भोजन या प्रसाद मिल सकता है? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो कोई है नहीं अभी, वे तो गए हैं, फिर भी आप यहाँ पर बैठिए। तो उन्होंने उनको भोजन प्रसाद कराया, वे संत उसके जो सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उनको पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उन्होंने बताया मैं हूँ, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं और ये मेरा छोटा बच्चा है। नुके इसका नाम क्या है? नुके इसका नाम अभी हमने अभी नामकरण नहीं कहा, अभी कोई हमें सूझा नहीं, तो आप ही कर दीजिए, जो आप नाम रखेंगे हम इसका वही नाम रख लेंगे। तो संतों तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा तो इसका, क्योंकि संत उसी घर में प्रवेश करने के बाद ही समझ गए थे कि वो घर किस प्रवृत्ति का है, कैसे उस घर में लोग हैं और कैसे उसका घर का भरण पोषण हो रहा है। तो उन्होंने कहा इसका उद्धार करना हमारा, पहले हम इसे इनका उद्धार करके जाएंगे। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम कह दिया कि इस बच्चे का नाम तुम नारायण रखना और हमेशा इसके नाम से इसको तुम बुलाते रहना। तो जब ये संत कह के चले गए तो जब वो अजामिल आया तो उसने सारी बात अजामिल को बताई। तो कोई बात नहीं, जो हो गया पर इसका बच्चे का नाम अजामिल रख दिया, नारायण रख दिया। तो वे दिन प्रतिदिन उस बच्चे को नारायण नारायण कहकर बोले, नारायण पानी ला, नारायण यो काम कर दे, नारायण मैं बाहर जा रहा हूँ, नारायण वो, नारायण नारायण, इस प्रकार उनके की घर में क्या होता है, दो ही बच्चों का नाम अधिकतर ऊपर रहता है, या तो सबसे बड़े का या सबसे छोटे का।
तो वो सबसे छोटा था, तो इसलिए उसी का नाम अधिकतर उनके मुख पर रहता है कि नारायण नारायण नारायण, जो भी देखो हर काम नारायण को। समय काल बीतने के बाद जब वह अजामिल वृद्धा हो गया और मृत्यु सैया पर लेट गया, तो ये बताते हैं गुरुदेव कि जिस समय मृत्यु आने वाली होती है तो उस समय आँखों के सामने सारी की सारी जो हमने पूरे जीवन में गलत कार्य किए, जितने पाप किए, सारे वीडियो की तरह चलते हैं कंप्लीट। जिस समय उसके सामने ये चल रहे थे तो वह बहुत डर गया, तो उस समय ही यमदूत उसको यमराज जी के आदेश से यमदूत उसे लेने आ गए। जब उन्हें यमरूत को देखा, यमरूत का शास्त्रों में वर्णन बताया है इतना भयंकर प्रकोप होता है कि अगर कोई कमजोर दीर्घ आ गए तो उनके दर्शन भी नहीं कर सकता, वो पहले मृत्यु से पहले मर जाएगा, इतना भयंकर उनका रूप होता है। जब उन्होंने देखा, अजामिल ने उन यमदूतों को देखा, तो उसने उनको देखते चित्कार पूर्वक अपने बच्चे को बुलाया कि पास में कोई था, ए नारायण इधर आ। तो जैसे ही उसने नारायण कहता, नारायण चार बार कहते ही तुरंत भगवान के चार विष्णुदूत वहां पर उपस्थित हो गए और वे उनसे कहने लगे यमदूतों से कि आप यहाँ पर यहाँ से चले जाइयो, इनको ले जाने का अधिकार आपका नहीं है। विनकर तुम कौन हो, उनको पहले तुम बताओ तुम कौन हो। उन्होंने बताया कि हम यमराज के आदेश से आए हैं और यमदूत हैं, इस अजामिल ने अपने जीवन काल में अनंत पाप किए हैं, हम इसकी सजा देने के लिए इसको यमपुरी ले जाने आए हैं। नुगे तुम अपने आप को यमराज के दूत कहते हो, तुम यमराज के दूत हैं, वे तो धर्मराज हैं और वे तुम अधर्म की बात कैसे कर सकते हो, नो तुम कैसे कह रहे हो कि ये अधर्म है। नुगे तुमने शास्त्र पढ़ा है, बताओ धर्म क्या है। नुगे जो शास्त्रों में बताया गया कार्य है वो सभी धर्म है। नुगे फिर तुम किस उद्देश्य से इसको ले रहे हो। नुगे शास्त्रों ने बताया कि जो भी जित पाप करता है उसको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, इसने शुभ कार्य तो किया नहीं। नुगे तुमने कुछ जाना ही नहीं, तुम बिना बात यमराज महाराज का नाम बदनाम कर रहे हो। शास्त्रों में बताया अंत समय में जो भी भगवान का नाम स्मरण करेगा उसके बाद उसने इस जन्म की तो क्या, अनंत कोटि जन्म के जितने भी पाप होंगे वे सभी विनष्ट हो जाएंगे और वह यम लोग जाने के लिए उपयुक्त नहीं होगा, वह भगवान के लोग जाने के लिए उपयुक्त होगा। तो इस प्रकार करके उन दोनों के बीच में बहुत सारा शास्त्रार्थ हुआ। जब शास्त्रार्थ हुआ तो वे उन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया, यमदूत यमलोक चले गए और विष्णुदूत भगवान वैकुंठ लोक चले गए। तो ये सब जो वार्तालाप हो रहा था वह अजामिल वहाँ पड़ा हुआ सुन रहा था। जब उसने ये सब वार्तालाप सुना तो उसकी आंखें खुल गई, जो ये क्या हुआ, बिल्कुल साक्षात मैं पहले कहाँ था, कितना कैसे मैंने क्या करा, कैसे मैं उस संगति में पढ़ा, उसको अपने आप पे बहुत बड़ी गलानी हुई। तो उसने तत्काल प्रभाव से ही वो सब कुछ अपना वहाँ का घर पार त्याग के तुरंत हरिद्वार चला गया और वहाँ जाकर उसने अपने मन चित्त को बिल्कुल भगवान के चरणों में अर्पित कर भगवान का भजन एक निश्चय होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति करी। ये तो रहा अजामिल का। उसके बाद जब वहाँ से वे दोनों यमदूत भी यमलोक चले गए और विष्णुदूत भी विष्णुलोक चले गए, तो जब यमदूत जी यमराज जी के पास जाकर कहते हैं कि क्या आपने मुझे हमें वहाँ कैसे ले भेजना, अजामिल को लेने, तो पहले तो आप हमें नो बताओ क्या इस पृथ्वी पर इस संसार में और भी कोई शासक है आपसे अलग जो ये सब कार्य करता है, जो मृत्यु के बाद उनको लाने का है। नुक नहीं, नुक तो फिर नुक वहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ और चार आए तो उसने कहा कि उसने नारायण नारायण बोला और उन्होंने हमें वहाँ से लड़ाई करके भगा दिया। जब यम महाराज जी ने भगवान का नाम अपने लोक में सुना वे आनंद से इतने विभोर हो गए, वे एक तरह से उनमें सात्विक विकार उत्पन्न हो गए और वे शांत हो गए एक तरह में कि आज इतने दिनों के बाद भगवान का नाम मुझे यम लोक में सुनने को मिला है। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने वो बात सत्य कही है, जिनसे हमें भी शक्ति प्राप्त होती है वे मेरे प्रभु नारायण हैं, उनका नाम लेने से ही हमें क्या, अगर कोई, उसने तो पूरे जीवन भर नाम लिया है, अगर कोई एक बोले कि निमिष मात्र भी भगवान का नाम ले ले तो उस प्राणी पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जा सकता, वो यमलोक लाने लायक नहीं है, वो फिर उसका जो भी कुछ इलाज है भगवान के हाथ में ही है। तो वांछा कलु जी कृपा सिंधु पाने वैष्णव किया देखो यहाँ पर।
ना, देखो ये श्लोक है, बोले जिह्वा न भक्ति भगवत नाम गुणधेयम् चेतसः न स्मरति चत चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति चत सीर एकदापि तान अनधम असत अकृत विष्णु कृत्या। ये स्वयं जब मानव का चार्ट बनाया हुआ, क्या कहते हैं, बोले जिसने ये मानव शरीर पा करके जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जो जिह्वा से भगवान का नाम कीर्तन नहीं करते, बोले हृदय में जो भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, और जिसने ये सर को ठाकुर जी के चरण में नहीं झुकाया, उन उन दुष्टों को पकड़ करके मेरे पास में ले आना। और कहते विष्णु कृत्या, विष्णु कृत्या मतलब है जो व्यक्ति वैष्णव धर्म में दीक्षित नहीं हुए, जो व्यक्ति वैष्णव धर्म में, ये जम स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति वैष्णव धर्म में दीक्षित नहीं हुए उनको ही लेकर के आना, लेकिन जो वैष्णव धर्म में दीक्षित है जम स्वयं कहते हैं उनको कभी मेरे पास में मत लाना। वैष्णव धर्म में मतलब क्या है, कहते गले में उनको जरूर तुलसी कंठी होता। वैष्णव धर्म में सबसे पहले वहां पर एक धर्मशाला लिखा हुआ ना, वैष्णव धर्मशाला लिखा हुआ ना, इसलिए पहले कोई वैष्णव लोग यहाँ रहते होंगे, हैं, इसलिए वैष्णव लोग रहते हुए इसलिए गले में उनकी जरूर तुलसी कंठी होगी। और ये ऊर्ध्व पुनर जो तिलक है जरूर वो तिलक लगाए हुए होंगे, ऐसे नहीं कोई फोटा लगा दिया, फोटा नहीं। अब भगवान कृष्ण को देखो तिलक कैसे, राम को देखो, नारायण को देखो, हनुमान जी को देखो, गणेश जी का तिलक देखो कैसे, ऊर्ध्व पुनरम, मतलब जो हमें ऊपर जो ले जाए, ये ब्रह्मा है, ये बीच में विष्णु है और ये महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो दो है ये ठाकुर का दो चरण है। उसको नीचे का भाग देखो, जैसे ठाकुर जी की चरण में तुलसी दल देते हैं, ये तुलसी दल जैसे है, इसलिए तिलक ऐसे होनी चाहिए और गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए और भगवान की नाम जरूर वो करते हुए होंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को देखोगे ना, कभी मेरे पास में मत लाना। देखो आपके सही घटना सुना था, हमारे जो गुरु जी को, गुरु जी देखो प्रभु को, जो प्रभुपाद है, हैं, जो प्रभुपाद हमारे गुरु जी, गुरु जी हैं, क्या हुआ, उन्होंने इनकी सब चरण में कोई एक व्यक्ति आया भजन किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो किसी लड़की के प्रति आसक्ति होकर के उसने धर्म कर्म छोड़ दिया, भक्ति छोड़ करके शादी कर लिया, बंगाल को जानते हो, वहाँ से मांस मछली खाने वाले, लेकिन उसका जो पत्नी थी वो मांस मछली खाती थी, लेकिन वो देखने में थोड़ी सुंदर थी, उसने उसकी प्रेम में पड़ करके धीरे 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 भजन भजन सब छोड़ दिए और मांस मछली भी खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने पहले वो महापुरुष से उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया था, विष्णु धर्म में दीक्षा मंत्र लिया था। जब उसको मृत्यु हो गई, मृत्यु होने पर पूरा के पूरा परिवार लोग उसको लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं जलाने के लिए, लेकिन जब उसने उसको जमदूत लेकर गए कहाँ पर, जमपुरी, जम महाराज जब दूर से उनको देखा, चिल्लाने लग गए, बोले किसको लेकर के आए हो, तुमको पता ही ये कौन है, ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का चरणाश्रित है। लेकिन बाद में किसी कारण से उन्होंने कुछ संघ में पढ़े गए थे, इन्होंने ये महापुरुष से उन्होंने दीक्षा मंत्र ग्रहण किया, विष्णु धर्म में मैं दंड नहीं दे सकता हूँ, जाओ इसको वापस देख करके आओ। अभी 3-4 घंटा हो गया, लोग तैयारी कर रहे हैं, वहां पर अर्थी सजाया उसको ले जाने के लिए, जब अर्थी सजा रहे थे हठात व्यक्ति जग गया, हठात उसने जग गया, जग कर कहता है मेरी माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है। लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे, मर गया था जिंदा कैसे, ये सही घटना, ये जिंदा कैसे हो गया, बोले भैया ये क्या बात, तो मर गया था जिंदा कैसे हो गया, बोले मैंने देखा विष्णु धर्म में जो एक बार दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हैं, जम महाराज अगर किसी कारण से जमपुरी भी चले जाए ना, वो जम महाराज भी उसको वापस भेज देते हैं इसी जगह में। खैर उनको पत्नी ने सारी बात बताई, पहले ये विष्णु धर्म में दीक्षा ग्रहण किया था, लेकिन मेरी संगत की वजह से इसने दुष्कर्म करना शुरू कर दिया था। फिर उनको स्वप्न दिया, जाओ एक भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज थे, बोले उनसे फिर दीक्षा मंत्र लो, फिर दीक्षा मंत्र लेकर क्यों छोड़ दिया था सब कुछ, मंत्र लेकर जब भजन किया, फिर उन्होंने भगवान के धाम में गए। जब स्वयं कहते हैं जो विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण करेगा,
वैष्णव धर्म में वो कभी भी नरक नहीं जाएगा। इसलिए नियम है हमें विष्णु धर्म में हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वैष्णव धर्म में हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इतने महिमा वैष्णव धर्म में दीक्षा ग्रहण करने का, इसलिए आप लोग सब के सब जरूर गले में तुलसी की कंठी धारण करो, तिलक धारण करो और सबके सब भगवान की नाम जप करना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, तब न करेगा बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तथा को लंबा कर बन जाए सटपट ले कर बन नवीन ब्रह्म कर दिखाई गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधे श्री गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम भक्ति महाराज की श्री चरण कमल में अर्पण करते उनको कृपा करता हूँ। तत्पश्चात मिथिला वृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जय श्री मिथिला वृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप शिल सिद्धांत गोस्वामी महाराज रूपान गुरु गौड़ी वर्ग गुरु परंपरा अनंत कोटि वैष्णववृंद समागत गौर भक्त वृंद उपस्थित श्री बाबाजी महाराज सबके चरण में अधम का यथा दंड प्रणाम स्वीकार। तो श्री गुरु महाराज के आदेश है कुछ कथा श्रवण का, उसी आदेश का पालन करते हुए आज हम अति संख्या में श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र को श्रवण करने के लिए प्रचेष्टा करेंगे। बल्कि ये जो प्रहलाद महाराज की चरित्र ये सप्तम स्कंद में आता है, भागवतम का विशेष रूप में 10 लक्षण कहा गया है। तो उसमें बताते हैं अत्र सर्ग विसर्गश्च प्रकृति सानुक्तय मन्वंतरे ईशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रय। तो ये जो सप्तम स्कंद है उसका जो लक्षण है बल्कि उति, उति मतलब क्या है बोलते हैं, ये जो उति है उति मतलब होता है वासना। इसलिए शास्त्र में कहा गया उति च वासना चैव तत्तत् कर्मानुसारतः अशुभं च शुभं चेति द्विधा भाव समन्वितः। बल्कि ये जो उति मतलब वासना ये उत्पन्न कैसा होता है बोले कि ये दो प्रकार का है, क्या क्या, एक तो शुभ वासना एक है अशुभ वासना। इसका उत्पन्न होने के क्या कारण बोले कि अशुभं च महत कोपात शुभं च महत अनुग्रहत। अर्थात ये जो शुभ वासना उत्पन्न होता है ये महत मतलब कोई महापुरुष का कृपा से उत्पन्न होता है, और कोई महान पुरुष वैष्णव साधु संत कोप कर लेते तो ये अशुभ वासना मन में उत्पन्न होता है। तो इसके लिए उदाहरण देकर समझाते हैं, जिस प्रकार वैकुंठ धाम में होने पर भी ये जो जय विजय भगवान के पार्षद थे ये चतुर्सन की उनके चरण में अपराध हो गया, जिसके कारण उनको क्या होने पड़ा, फिर जाके ये
मर्त्य में आगे जन्म ग्रहण करा किए तथा असुर योनि को प्राप्त किए, और उस तरफ साक्षात रूप में जो प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकश्यप के पुत्र संतान रूप में उत्पन्न हुए, यद्यपि असुर कुल में उत्पन्न हुए, फिर भी नारद मुनि जैसे महान साधु के संग करने के कारण ये किया ना उनके अंदर भगवत भक्ति जागृत हुआ, जिस कारण केवल ही केवल नारद मुनि जी है। तो इसलिए जिस प्रकार गरुड़ जी के चरण में अपराध होने के कारण सौहरी उसके मन में भी किया हुआ ना भोगवासना इत्यादि उत्पन्न हुआ, ठीक उसी प्रकार बोले ये जो हमारा संप्रदाय में आए कौन असल माधवेंद्र परिपाद, ये माधवेंद्र परिपाद को कहा गया ये भक्ति का पहला अंकुरोद्गम है। उनके दो शिष्य निकले, एक तो है श्री ईश्वर परिपाद, एक रामचंद्रपुरी। जब श्री माधवेंद्र परिपाद अंतिम समय में भगवान के विरह में आकुल व्याकुल हो रहे थे, तो उस समय ये ईश्वर परिपाद तो उनके सेवा कर रहे थे, मगर रामचंद्रपुरी गुरुदेव की इस प्रकार भावना को देखते हुए गुरुदेव के जो क्रंदन अय दीन नाथ है मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से हृदय तोद लोग कातर दैत भ्रमति किम कराम्यम, हे दैत हे प्रभु मैं अभी क्या करूँगा, मेरा हृदय अभी तुम्हारे लिए अत्यंत आकुल व्याकुल है, प्रभु मुझे दर्शन दो। इस प्रकार आकुल व्याकुल वाणी को श्रवण करते हुए रामचंद्रपुर ने उनको तो उपदेश प्रदान शुरू कर दिए, बल्कि हे गुरुदेव ये शरीर नश्वर है, ये पीड़ा कष्ट ये तो आएगा जाएगा, आप क्या करो ना ब्रह्म का चिंतन करो। इस प्रकार जब गुरुचरण अपराध हुआ तो वही एक गुरु के दो शिष्य होने पर भी ईश्वर परिपाद के ऊपर विशेष रूप में कृपा किए थे, इसलिए साक्षात रूप में भगवान उनको क्या किए ना वर प्रदान किए थे, बोले कृष्ण तुम्हारा होक प्राणधन, जिसके कारण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात रूप में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वो आके ये भगवान की स्वयं ईश्वर परिपाद की शिष्यत्व को ग्रहण किए, और दूसरा और जो रामचंद्रपुरी वो अत्यंत गुरुनिंदुक होने के कारण वही निंदा करते करते कहाँ जाके पहुँचा ना भगवान किसी चरण कमल में। तो इसी प्रकार ये जो महत की कृपा से क्या होता है ना सुवासना, और महत की कोप से ये अशुभ वासना जागृत होता है। तो ये जो सप्तम स्कंद की प्रारंभ है इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी प्रश्न करते हैं किसको ना इसलिए परीक्षित जी प्रश्न करते हैं इसलिए सुखदेव गोस्वामी पद को बोले क्या ना समह प्रिय सुहृत ब्रह्मन भगवाभूतनम भगवान स्वयं इंद्र सार्थे कथम दैतन अवधेत विश्वमोजथा। कि अब पहले तो भगवान की गुणगान कर रहे क्या, बल्कि जो भगवान है ये समह प्रिय एवं श्रुहुत, इसका मतलब ये है भगवान है समदृष्टा, उनके लिए कोई अत्यंत प्रिय उनके लिए कोई शत्रु नहीं है, सारी सारी सचराचर जीव को भगवान एक ही जैसा दर्शन करते हैं, और प्रिय जीव मात्र ही भगवान के प्रिय है, और श्रुहुत भगवान सब जीवों का मंगलाकांक्षी है, हर समय सबका मंगल ही चिंतन करते। तभी इसलिए परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे कि प्रभु एक बात बताओ, ये भगवान सम होने पर भी ये दैत्य के विरुद्ध में इंद्र की पक्ष से ये दैत्य को क्यों वध किए, क्योंकि जब भगवान ने इंद्र के साथ मिलके ही क्या किए ना सारी सारे दैत्यों के वध किए, जैसे कि हिरण्याक्ष के बराह रूप धारण करके ये देवताओं के लिए ही उनको वध किए। तो ये परीक्षित महाराज के मन में ये प्रश्न आया कि भगवान ने इनके पक्ष को क्यों ग्रहण किए और देवता को क्यों मारे। तो ये बात जब जो बोले तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी तो बड़ा प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, बोले क्यों ना अभी इस चीज़ को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि बड़ा प्रसन्न इस कारण के लिए है, अभी भगवान भक्त की ये क्या आएगा ना चरित्र आएगा, किसके चरित्र ना ये प्रहलाद महाराज के चरित्र, ना किस प्रकार यद्यपि भगवान ये भक्त सम है मगर भक्त के प्रति विशेष ये कृपा करते हैं। तो अभी ये सुखदेव गोस्वामी पाद ने एक चरित्र को श्रवण करा रहे, बोले कि यही प्रश्न ने ये युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को प्रश्न किए थे, कहा ना राजस्व यज्ञ में जब दमघोष की जो पुत्र शिशुपाल ये जब भगवान ने उनका वध किए ये कि दिव्य शरीर धारण करके क्या किया ना भगवान की श्री शरीर में विलीन हो गया। तो परीक्षित युधिष्ठिर महाराज तो बड़ा अचंभित हो रहे, आश्चर्यचकित हो रहे, बोले किस कारण के लिए, बोले जो अत्यंत दुर्लभ है मुनि ऋषियों के लिए भी भगवान की जो श्रीअंग में विलीन होना, मगर ये शिशुपाल जो जन्म होते हुए ही भगवान की निंदा प्रारंभ किया है, इसका ऐसा गति क्यों हुआ, क्या कारण था इसका। तो इसके लिए चलो नारद मुनि ये चौथ को फिर बतला रहे हैं कि चाहे जैसे तैसे भी हो जैन केन उपाय न मनः कृष्ण निवेश है, अगर कोई भी उपाय क्यों ना हो अगर मन कृष्ण की चरण में लग गया है, भगवान की चरण में लग गया है, तो क्या होगा ना
कल्याण सुनिश्चित। तो इसलिए जिस प्रकार वैर्य भाव अर्थात शत्रुता से जिस प्रकार मन शत्रु के साथ लग जाता है और या भगवान के चरण में लग जाता है भगवान के साथ शत्रुता आचरण करने से, और किसी भी उपाय ऐसा नहीं जो इतना जल्दी लग जाए। तो इसलिए एक श्लोक आ गया, बोले गोप्य कामत भयात कंस द्वेषात चेद्या दयनुप संबधात वृष्णय स्नेहात जुयम भक्त्या वयं विभोः। इसका मतलब ये है जो गोपी लोग थे उनके भगवान के चरण में क्या था ना, उनके प्रति भगवान के चरण में अत्यंत प्रीति था, इसके कारण उन लोग का उद्धार हो गया। फिर क्या ना कंस जो था उनका प्रति भगवान के क्या था ना क्रोध था, ठीक है वैरभाव था, और ये जो शिशुपाल ये भगवान की द्वेषी था, और संबंध के कारण कौन भगवान को प्राप्त किए बोले कि जाधव ने, और स्नेह के कारण पांडव, और भक्ति के लिए भक्ति के द्वारा कौन प्राप्त किए ना नारद मुनि और जितने सारे भक्त लोग। तो इसलिए इसी कारण इसी में बता रहे हैं कि जेना के न उपाय न मनः कृष्ण निवेशित, कारण चाहे को क्यों ना भी हो मगर फिर भी भगवान के चरण कमल में मन लगना ही बड़े बात, जिसके द्वारा क्या होगा ना भगवत प्राप्ति हो जाएगा। तो इसी चीज को बोलने के लिए श्रील नारद मुनि प्रारंभ कर रहे कि ऐसा भी एक क्या था ना ये हिरण्यकश्यप था और उनके के पुत्र संतान उत्पन्न हुए जिनके नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज के कारण ही हिरण्यकश्यप ने इस चीज को वर्णन करते हुए नारद जी बताते हैं जो वराह देव भगवान ने धारण किए और वहाँ हिरण्याक्ष को नाश किए, तो उसके बाद जो हिरण्यकश्यप उनके जो भाई था ये तो भगवान के प्रति बड़ा शत्रुता आचरण करने लगा, और क्या बोला बोला कि जो विष्णु है ये उनका समभाव को भी त्याग कर दिया, अभी समता को त्याग करके ये इंद्र के साथ है कि क्या कर रहा है ना असुरों को मार रहा है। तो इसलिए क्या किया ना जितने सारे सब मंदिर विष्णु का था सब भंग कर दिया, जो यज्ञ अनुष्ठान साधु संत इत्यादि को मारने लगा, और मार के क्या किया बल्कि आज त्रिजगत में मैं ही कौन हूँ ना भगवान हूँ, मेरा ही अर्चन पूजन इतने तुम सब करो, और मेरा जो वशता स्वीकार नहीं करेगा मैं साक्षात रूप में उनको क्या करूँगा काल बन जाऊँगा। तो इसी प्रकार ये हिरण्यकश्यप ने क्या किया ना जाके सारी की सारी जो पुण्यतः स्थान था उनमें ये सारी सारी दैत्यों को वहाँ स्थापन करके अपनी पूजा इत्यादि को ग्रहण करने लगा। तो चारों तरफ तो इस प्रकार ये क्या हुआ ना दैत्यों के प्रभाव ही शुरू हो गया। तो अभी ये सोच रहा है कि इस प्रकार मैं अगर मतलब सारी की सारी मतलब प्रवाह विस्तार करने लगूंगा तो ये कभी भी संभव नहीं। तो क्या किया ना वो पांच चीज प्राप्त करने के लिए फिर ब्रह्मा जी के तपस्या करने लगा मंदराचल पर्वत में। पांच चीज क्या था बोले कि एक तो अजय मतलब उनको जगत त्रिजगत में कोई जैसे जय ना कर सकते, फिर बोले कि अजरम उनको कभी कैसे जरा और व्याधि ये कभी उनको जैसे उत्पीड़न ना कर सकते, फिर बोले अमरम मतलब कभी वो कभी जैसे ना मरे, और बोले कि अप्रतिद्वंदी इतनी जगत में उनका कोई प्रतिद्वंदी जैसे ना हुए, और क्या बोल रहा था ना एक राजम पूरा एक राजा बनाएगा जिसमें वो खुद राजा बनेगा। तो ये पांच चीज प्राप्त करने के लिए ये हिरण्यकश्यप ने क्या किया मंदराचल पर्वत में उभय दृष्टि और नभोदृष्टि ऊर्ध्व बाहु और अंगुष्ट में खड़ा होकर भगवान ब्रह्मा जी को तपस्या किया। कितने बल्कि 60,000 साल तक तपस्या किया। तो फिर जब सारी सारी देवता लोग उनके तपस्या में भयभीत होने लगे फिर ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मा जी साक्षात रूप में उनको तपस्या में प्रसन्न होकर जब आते हैं देखते वहाँ हिरण्यकश्यप नहीं है। क्या हुआ उनका जो शरीर सारी सारी दीमक बन गया है और वहाँ में सारी सारी पत्ता बहुत पेड़ पौधा ऐसे हो गए। तो फिर उनको मंत्र सिंचित जल जब सिंचित करते हैं उनके ऊपर फिर हिरण्यकश्यप फिर अपने स्वरूप धारण करता है और ब्रह्मा जी बोलते वरम गृहवश्च तुम तो बहुत इतना तपस्या कि मैं अत्यंत प्रसन्न वर मांगो। तभी हिरण्यकश्यप बोल रहा है कि हे प्रभु आप तो कृपा करें दर्शन दिए मुझे कुछ चाहिए नहीं कपटता दिखा रहे और क्या मांग रहे बोले अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो एक चीज मुझे प्रदान कर दो। बोले क्या मुझे अमरवर प्रदान कर दो। तो ब्रह्मा जी बोलते कि बेटा तू पागल हो रहा है क्योंकि आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुनो ब्रह्म लोक तक भी क्या सब मर रहे हैं तो इसलिए मेरा भी जो पोस्ट है ना मैं खुद मर रहा हूँ जब भी मेरे पास भाई अमरवर तो नहीं है तो मैं ये आपको कैसे प्रदान करूँ। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा बात है अमरवर दे मैं दे ही नहीं सकता हूँ और उसके अलावा और कुछ मांग लो।
अभी हिरण्यकश्यप सोचने लग रहा है अगर अमर वरण नहीं ले सकता हूँ तो उसी के जैसा ही कुछ मांग सकता हूँ। बोले ठीक है, सूर्यास्त पर्यंत आप क्या करो, मैं जो जो वर मांग रहा हूँ उसको पहले प्रदान करो। बोले ठीक है, तो इसलिए सारी की सारी चीज़ जो मूर्ति का जो भय था इसलिए क्या किया, सारी की सारी चीज़ें मांग लिया। बोले कि ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना मनुष्य के द्वारा मरूंगा, ना देवताओं के द्वारा मरूंगा, ना अस्त्र की तरह मरूंगा, ना शस्त्र की तरह, जितने सारी चीज था सब मांग लिया। इस प्रकार मांग लिया कि जैसे उनको वही और बध ही ना कर सके। तो अभी एक तो दुष्ट था, विष्णु का अर्चन पूजन सब बंद किया था। अभी जैसे भालू होते हैं ना, भालू उनका नाखून इतना तीक्ष्ण होता है, वो क्या करता है मिट्टी को इतना खुदाई कर देते, बहुत खुदाई कर देते। अगर उसी भालू के हाथ में हम फावड़ा दे दिए तो वो क्या करेगा, रखेगा पर्वत को पूरा, क्या करेगा ना खुदाई कर लेगा। ठीक है, उसी तरह हिरण्यकश्यप तो दुष्ट था, अभी ब्रह्मा जी के बल में बलियान हो गया, तो क्या कर रहा है ना चारों तरफ अपने मंदिर स्थापन करके अर्चन पूजन इत्यादि शुरू हो गया अपना। ये तो था एक पार्ट। फिर दूसरा पार्ट अभी आ रहे क्या ना भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज के। ये जो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज थे ये हिरण्यकश्यप की चतुर्थ संतान थे। बोले जब देखो उनके चार चार संतान थे, फिर भी और जो तीन संतान थे ये पिता के गुण में ही गुणवान थे, इसलिए उनके शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया। मगर ये जो प्रहलाद महाराज थे ये अत्यंत ब्राह्मण गुण संपन्न और सच्चरित्र सत्य संध, और ये क्या कर रहे थे ना जो अपने से जो उच्च गुरुजन है उनको ईश्वर बुद्धि, जो अपने समकालीन है उनके प्रति मैत्र, और जो खुद से जो कनिष्ठ है उनके प्रति क्या अत्यंत दयाभाव प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये जितने सारी सारी गुण है ये क्या किनके था ना प्रहलाद महाराज के अंदर था। बोले कि बस इतना ही गुण था ना और कुछ गुण था, बोले कि सबसे तो जो प्रमुख गुण क्या है ना वासुदेव भगवती नैसर्गिकी व्रति, अर्थात इनका भगवान के चरण में विशेष रूप में क्या था ना रतिमति था, अर्थात स्वाभाविक प्रीति था भगवान के चरण में, इसको ही कहा गया। जितने सारे उनका जो गुण था उन गुणों में ये है राजा। तो इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं कि नाम जपत प्रभु की न प्रसादो भगत शिरोमणि है प्रहलादो, अर्थात ये भगवान के नाम जप करते करते ये जो श्रील प्रहलाद महाराज ने ये क्या ना भगवान की भक्ति इत्यादि को आचरण करने लगे। जब ये प्रहलाद महाराज के द्वारा थोड़ा उम्र हो गया, पढ़ाई करने के लिए जो वयस उपस्थित हुआ, तो उनको ये किसके पास में भेजते ना संड अमर के पास। ये जो संड और अमर के है ये श्रील जो शुक्राचार्य के पुत्र है, मगर जो शुक्राचार्य है ये विशेष रूप में भृगुवंशीय ब्राह्मण है। यहाँ में फिर प्रश्न आ सकता है ये जो ब्राह्मण है ये दैत्य को गुरु कैसे बने, ये शुक्राचार्य जो थे ये हिरण्यकश्यप के कुल पुरोहित थे, ऐसा क्यों? बोले कि ये तो विष्णु भक्त थे शुक्राचार्य साक्षात रूप में, फिर भी उनका ये बृहस्पति के साथ कभी पढ़ता नहीं, क्योंकि ये बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु। तो इसलिए ये क्या किए दैत्य के पक्ष लेके इनका कुल पुरोहित इत्यादि कार्यों के गुरु के कार्य किए। तो ये संडहमन के पास जब ये भेजे हिरण्यकश्यप ने, बोले कि इनको अच्छे से साम दाम और दंड भेद ये अच्छे से शिक्षा प्रदान कर दो। अभी हिरण्यकश्यप के आज्ञा से प्रहलाद महाराज के जाके गुरु गृह में सारी सारी शिक्षा पढ़ रहे। और कुछ दिनों के बाद जब समय हो गया कुछ पढ़ाई कर लिए, तभी ये हिरण्यकश्यप का ये मन में उत्पन्न होता है पुत्र ने अभी क्या क्या सीखा उसको जानने के लिए। तभी ये संड और अमर ने ये प्रहलाद महाराज को लेके आते हैं किसके पास ना हिरण्यकश्यप के पास। तो हिरण्यकश्यप तो अत्यंत पुत्रों को देख के बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उनको आलिंगन भी करता है और उनको सिंहासन के पास में भी बिठा के क्या कर रहा है उनको प्रश्न कर रहा है। बोले कि बेटा बताओ अभी तुम जो गुरुगृह में शिक्षा किए जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा वही बात बताओ। क्यों? बोले इतना छोटा सा बालक अगर अभी मैं उसको जो मतलब स्पेसिफिक बोलूँगा कुछ इसी किसी चीज़ के बारे में बोलूँगा हो सकता है वो भयभीत हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वही बात बताओ। तभी श्रील प्रहलाद महाराज बताते हैं तत्साधु मन्ये असुर वर्ज्य देहिना, ऐसा संबोधन कर दे क्या ना असुर वर्ज्य देहिना। बोले कि हे असुर श्रेष्ठ, इतने तो श्रवण करके हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले क्यों ना अभी पुत्र ने पूरा ठीक ठीक रूप में अभी जो साम दाम दंड भेद सीख लिया। क्यों? ये तो क्या कर सकता था मुझे हे पिताश्री संबोधन कर सकता था, मगर क्या संबोधन कर रहे हे असुर श्रेष्ठ, सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो बोल रहे फिर क्या जैसे जख्म में
नमक और मिर्ची डालते हैं ना, फिर उस पर बोले क्या, बोले सदा समुद्र विघ्न धिया असत ग्रहार हित्वा आत्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतोजत हरिमाश्रय। हे पिताश्री, आप तो असुरवर्य श्रेष्ठ बल दिए, उसे बोले कि ये तुम जो संसार कूप में पड़े हो ना, वो किस प्रकार, बोले गृहमंध कूप, ये संसार एक अंध कुआं के जैसा, जिस प्रकार जंगल में कुआं होता है उसमें बहुत दिन होने के बाद जल नहीं आने के कारण क्या हो जाता है, ऊपर तो लताओं से ये ढक जाता है और अंदर पानी नहीं रहता है, उसमें भयानक सर्प ही तक वहाँ जाके बास करते हैं। अगर उसके अंदर कोई एक बार गिर जाए तो एक तो अंदर सर्प है, काटेंगे मरोगे, और तुम्हारा जो चित्कार कोई सुनेंगे नहीं, इसलिए उद्धार भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो संसार में पड़े हो, ये संसार इस प्रकार है पिताजी, ये गृहमंध कुपम, और तुम्हारा जो चित्त है ये उद्विग्न चित्त, क्यों, क्योंकि तुम विष्णु का स्मरण नहीं किए, विष्णु का अर्चन पूजन नहीं किए, इसलिए तुम्हारा कभी अच्छा गति नहीं हो सकता है। तो फिर अगर प्रश्न करेंगे अच्छा गति होगा कैसे, बोले वनम गतम जत हरिमाश्र, हे पिताश्री अगर आपका अच्छा चाहे तो चलो वन में चलो और हरि का आश्रय ग्रहण करो। इतना तो श्रवण करके हिरण्यकश्यप का थोड़ा गुस्सा आ गया, बोले कि ये मगर फिर भी पुत्र के प्रति कुछ कठोर वचन नहीं बोले, किस कारण के लिए, बोले इस कारण के लिए ये सोच रहे ये छोटा सा बालक है, उनका बुद्धिशाली जो बोल रहा है इसका अर्थ उसको पता नहीं, इसलिए बोला जाके हरि का स्मरण करो। तो उनको कुछ बोले नहीं, बोले किसको बोले ना, संडो अमर को बोले कि ब्रह्म बंधु की मेहतत, ये क्या है, मैं पैसा दे रहा हूँ और तुम गुण उनको सिखा रहे हो, किसका गुणगान, ना विष्णु का गुणगान सिखा रहे हो। तो बोले कि अभी संडामा को बोलेंगे क्या राजा जी, तो फिर क्या हुआ, इनको जैसे तैसे उनको ले गए फिर गुरुगृह में, और ये संडा और अमर को उनको प्रश्न कर रहे हैं कि बच्चा एक बात बता प्रहलाद जी, यहाँ में तुम्हारे जितने सारे समकालीन बंधु है ये लोग हम जो सिखाते वो ही बोलते है, मगर तू ये जो बात अपने पिताजी को बोला ये कहाँ से सीखा। बोले कि ये कोई सीखने की बात वस्तु नहीं, यही साक्षात रूप में ही सत्य वस्तु है, और इसलिए मैं किसी से सीखा नहीं, ये मेरा ये नैसर्गिक रति ही, ये मेरा मन की भावना है, और ये मैं पहले ही से जानता हूँ कि क्या ना हरि ही एकमात्र ही है, उनको छोड़कर और कोई संसार में है नहीं। तो इस प्रकार ये संड और अमरक ने अच्छे से उनको फिर क्या किए, सारी की सारी विद्या को जब सिखाए, और कुछ दिनों के बाद फिर ये संड या अमर को एक ही जाके फिर क्या करते हैं, उनको हिरण्यकश्यप के सामने उपस्थित कराते, और पहले तो ये माता के द्वारा श्रृंगार होते हैं प्रहलाद महाराज, और जाके जब सभा में उपस्थित होते ये हिरण्यकश्यप उनको गोद में बिठा के क्या बोलते हैं कि अभी प्रश्न करते हैं कि हे पुत्र, बड़ा ही प्रेम से पूछते हैं, अब बताओ इतने दिन जब तुम गुरुगृह में शिक्षा किए, गुरु जी के द्वारा शिक्षा की ग्रहण किए, उसमें तुम सबसे श्रेष्ठ बात क्या है, वही बात ही बताओ। तो अभी प्रहलाद महाराज सोच रहे कि अभी पिताजी की आज्ञा है क्या ना, गुरु महाराज ने जो बताए, गुरु जी ने जो बताए उसी जो श्रेष्ठ चीज वही वस्तु बताने के लिए। अभी प्रहलाद बोले कि संड अमर कहते हमारा गुरु ने ये किया है ना, मास्टर है, मास्टर का कार्य क्या, महीना के शेष में पैसा लेना, वो ही मास्टर है, और गुरु का कार्य क्या, कैसे कल्याण होगा, वही बात सोचेगा। तो अभी गुरु कौन है ना, नारद मुनि। तो नारद मुनि के सबसे श्रेष्ठ विचार को बोल रहे, बोले कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मनेधित उत्तमम। बोले कि हे पिताश्री, मैं तो अभी नो अच्छा से विद्या सीख के आया हूँ। बोले क्या ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य और सख्य आत्मनिवेदनम। बोले कि सारी सारी क्रिया तो सब करते, श्रवण भाई कौन नहीं करता, सब करते, और कीर्तन कौन नहीं करता, सब करते। तो बोले कि इति पुंसार पिता विष्णु, सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, बोले कि श्रवण कीर्तन तो करना है, और किसका ना, विष्णु का। ये बात जब श्रवण कर लिए, हिरण्यकश्यप अभी लाल लाल आँख हो गया और पूरा अधर कंपित हो गया, बोले कि पुत्र को अभी पकड़े और क्या किए, बोले कि ये किस प्रकार ये बात बोल रहे, पहले एक बार बोला था उस समय कुछ बोले नहीं, अभी हिरण्यकश्यप का गुस्सा तो ज़्यादा बढ़ गया, और अभी गुस्से में प्रश्न कर रहे, बोले कि बार बार तुझे मैं समझाने के लिए प्रचेष्टा किया, बोले कि विष्णु जैसा भूत तुम्हारा अंदर घुस गया है, तुम ये दैत्य के चंदन वन में तुम क्या हो ना, कांटे के वृक्ष हो, जिस प्रकार जो कुराड़ी होता है, कुराड़ी के अंदर वो शक्ति सामर्थ्य नहीं होता कि पेड़ को काटने के लिए, मगर वही चंदन
मन को काटने के लिए जो कांटा की पेड़ होता है वो ही क्या होता है ना, उसका पीछे लगाया जाता है जिसको कुरहड़िका क्या आता है, शक्ति सामर्थ्य आता है। ये जो दैत्य की चंद्रमणि, तुम कांटा वृक्ष हो, इसलिए क्या बोल रही है, तुम्हारा जो मति ये जो विष्णु के ऊपर लग गया, ये कैसे लगा ये बात तू बता पहले। तो इसमें श्री हिरण्य जो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मेरा ये जो मति विष्णु के चरण में लग गया है, ये ऐसे साधारण में नहीं लगता है, बोले कि न मत प्रणीतम न परो प्रणीतम। इसका मतलब ये है कि ये जो मति मेरा तो लग गया, मगर तुम लोगों को क्यों नहीं लग रहा है, बोले कि मिथो अभिवद्यते गृह बतानम, बोले कि तुम सारी सारी जो गृह व्रत को ही ग्रहण कर लिए हो, इसलिए तुम्हारा मन जो नहीं लग रहा है। और पुनः पुनः चर्वित चरवणानम, तुम ये जो विश्व को क्या कर रहे हो, बार बार चुबाए, मतलब खाते जा रहे हो भोग करते जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा मति रति कभी विष्णु का चरण में नहीं हो सकता है। और शास्त्र पुराण इत्यादि के द्वारा नहीं हो सकता है, और तुम्हारा जो गुरु है वो गुरु के द्वारा भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु क्या किया, जो वास्तव वस्तु मतलब भगवान को ही क्या किया ना, अर्थदम मतलब अर्थ के रूप में नहीं समझा, इनका तो अर्थ और दूसरी चीज में है, विषय भोग वासना में, इसलिए उनका मन को नहीं लग पाता है। तो इसी प्रकार शिक्षा प्रदान करते ही तीन श्लोक की दरअसल प्रहलाद महाराज ने फिर क्या किए ना, जब उनको बताए तो उनका क्रोध तो ज़्यादा वर्धित हो गया, और इसीलिए ये क्या किए, अत्यंत क्रोध में प्रहलाद महाराज को सिंहासन से नीचे फेंक दिए और बोले कि हे दैत्य लोग क्या करो, इनको जितने सारे उपाय है, सर्व उपाय न हंतव्य, सारी सारी उपाय में उनको क्या करो, इसको मार डालो। तो अभी सारी दैत्य ने हिरण्यकश्यप की आज्ञा से अभी प्रहलाद जी को मारने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं। मार क्या क्या सारी उपाय क्या क्या न सारी उपाय तो उनके प्रति प्रयोग कर लिए, और कोई भी उपाय में नहीं मरे प्रहलाद महाराज जी, बल्कि की पर्वत के ऊपर से नीचे गिरा दिए, जल के अंदर पत्थर बांध के उनको छोड़ दिए, और आग में डाले, सारी जो दिग्गज हस्ती है उनका हाथ पैर को बांध के चारों तरफ खींचने लगे, फिर भी किसी उपाय में ये प्रहलाद महाराज जी की मृत्यु संभव नहीं हुआ। इसमें हिरण्यकश्यप तो बड़ा भयभीत हो गया, किस कारण के लिए, क्यों ना, मैं ब्रह्मा जी को तपस्या किया अमर वर प्राप्त करने के लिए, और अमर वर जैसा ही वर मांग लिया, मगर मैं अभी तक टेस्टेड नहीं हूँ, टेस्ट नहीं किया कि मगर गला अगर काट जाएगा तो मैं बच पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, मगर ये तो कोई तपस्या नहीं किया, 5 साल के बालक, ये तो इतने में ये क्या कर रहा है, सारी टेस्टेड हो गया फिर भी नहीं मर रहे, मतलब ये तो अमर है, मगर मेरा जो तपस्या है ये तो अमर वर की हुआ नहीं। तो एक ही उपाय में ऐसे बोले, एक गुंफा में क्या किया, एक बार पूरा प्रहलाद महाराज को अंदर डाल दिए और चारों तरफ बंद करके उसको क्या किए ना, 1 महीने तक ऐसे छोड़ दिए। जब 1 महीने के बाद अभी सोच रहे कि हाँ प्रहलाद महाराज जी मर गए, तो जब निकाल रहे बड़ा क्या दिख रहे, बोला अद्भुत तेज, प्रहलाद महाराज हाथ में करताली बजा के बोलते क्या ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु पुरुषोत्तमाय, वासुदेवाय प्रभु पुरुषोत्तमाय, वासुदेवाय प्रभु महाराज के अद्भुत तेज को दर्शन किए, ये तो सारी सारी विमोहित हो गया। अभी करेंगे क्या, अभी प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बड़ा भय हो गया, बोले किस कारण के लिए, प्रहलाद ना डर रहा है ना मर रहा है, दोनों चीज ही नहीं कर रहा है। अभी तो हिरण्यकश्यप का तो चिंता बढ़ गया, अभी संडा मर्गन उनको समझाने लगे कि देखो ये छोटा सा बालक है, अभी ये जो शुक्राचार्य है नहीं, उनको दोबारा क्या करो, आप ये गुरुगृह में भेज दो, जब शुक्राचार्य आगे खुद उनको जो पढ़ाएंगे ये सारी सारी चीज़ को भूल जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद फिर इस प्रकार प्रहलाद महाराज को ये गुरुगृह में रखे, और गुरुगृह में एक तो भक्त थे, अभी सारी जो उनके सहपाठियाँ थे उनको भी भक्त बना दिए। एक श्लोक के द्वारा क्या बोल रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर ये अत्यंत दुर्लभ है, तो इसलिए क्या करो तुम ना, जल्दी से जल्दी क्या करो ना, भगवत भजन करते हुए क्या करो ना, कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुष जन्मम तदपि अध्रुवम एवं अर्थदम, कि कौमार अवस्था से ही क्या करो, धर्म की जाजन करो और भगवान की प्राप्ति कर लो।
तो इस प्रकार जैसे सारी सारी अपने सहपाठियों को भक्त बना दिए हिरण्यकशिपु का तो द्वेष हो गया, अभी ये शुक्राचार्य संडामण का भी द्वेष हो गया। तो फिर दोबारा जब ये आते हैं कहाँ ना हिरण्यकशिपु के पास, अभी दोबारा फिर ये विष्णु शब्द श्रवण करके हिरण्यकशिपु क्रोध उत्पन्न होता है और वो पूछते हैं कि तू जो विष्णु को सारे समय बोलता है, हाँ जो विष्णु का नाम लेता रहता है, वो विष्णु है कहाँ? मैं तो एक बार उनको ढूंढने के लिए गया, अत्र सर्वत्र ढूंढा, वो मिला ही नहीं, तेरा विष्णु कहाँ है बताओ। जब ये बात श्रवण किए तो ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अत्र तत्र सर्वत्र ही भगवान विष्णु है, क्योंकि व्यापनोति इति विष्णु। ये बताओ, तुम पूछ रहे कि मेरा भगवान कहाँ है, ये बताओ मेरा भगवान कहाँ नहीं है, अत्र तत्र सर्वत्र ही मेरा भगवान विद्यमान। इतनी ही जब श्रवण किए हिरण्यकश्यपु ने क्या किए ना, अपने गदा को उठाए और एक स्तंभ को दर्शन करके बोलते हैं ये स्तंभ में ही तुम्हारे ये विष्णु भगवान, बोल के हाँ ये है। क्यों? क्योंकि वो अत्र तत्र सर्वत्र जो उत्तम भक्त है ना, सर्वत्र ही भगवान के दर्शन करते हैं। तो अभी हिरण्यकश्यपु गदा प्रहार किए जब कहाँ ना स्तंभ में, तो हिरण्यकश्यपु तो अभी सोच नहीं पा रहा था इस प्रकार होगा क्या होगा, हठात वो स्तंभ विदीर्ण हो गया और वहां से अद्भुत मूर्ति उत्पन्न हुए, जो आधा नर थे और आधा मनुष्य थे और साक्षात रूप में वो श्री नरसिंह देव वहां से प्रकट हुए। बोले श्री नरसिंह देव भगवान की चक्रहस्तनुसिंह। तो भगवान किस प्रकार, बोले चक्रहस्त गदा भी हाथ में है और भयानक रूप नख पता बीड़ा बड़े बड़े नख है और जैसे चूहा को बिल्ली उठा लेता है ठीक उसी प्रकार ये हिरण्यकश्यपु को उठा ले अपने गोद के ऊपर और विदारण कर रहे। अरे भाई हिरण्यकश्यपु बोला अरे आप मुझे कभी मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले कि मैं ब्रह्मा जी से बल प्राप्त हुआ हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकते उनकी सृष्टि से या देवता मनुष्य कोई भी नहीं। बोले देखो मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं हूँ, मैं स्वयं वो प्रकट हुआ हूँ इसलिए मार सकता हूँ। बोले अस्त्र की द्वारा शस्त्र की द्वारा मारूंगा नहीं। बोले ना अस्त्र के द्वारा तुम्हें मार रहा हूँ ना शस्त्र के द्वारा, ये जो नाखून के द्वारा तुझे मारूंगा। बोले कि जड़ और चेतन के द्वारा मारूंगा नहीं। बोले कि जो नाखून नहीं है जड़ नहीं है चेतन नहीं, उसको काटने के बाद कष्ट नहीं होता फिर भी ये बढ़ता है। बोले कि अच्छा ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोले कि सायंकाल है। बोले कि 12 महीने में मरूंगा नहीं। बोले कि ये मल मास चल रहा है। तो इस प्रकार सारी की सारी जो बोले थे उसको रक्षा करने के लिए सत्यं विधातु निज वृत्त भाषम भाषितम। तो भगवान के जो भक्त है उनके वाक्यों को रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यपु उत्पन्न हुए और ये प्रहलाद महाराज जो नरसिंहदेव प्रकट होगी हिरण्यकश्यपु विदारण किए और इस प्रकार ये प्रहलाद महाराज को रक्षा किए। तो जब ये प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु भगवान ने विदारण किए तो भगवान की जो उग्र रूप था ये धीरे धीरे उनका गुस्सा बढ़ने लगे। एक की बात एक सारी सारी तो आए भगवान की गुस्सा को शांत करने के लिए, लक्ष्मीदेव तो साक्षात रूप में आए और क्या बोले कि ये मेरा बोने है भाग्य, एक सास तो इधर और दूसरा सास लेके जाके कहाँ ना वैकुंठपुर में साक्षात रूप में प्रहलाद महाराज उनके पास में जाते और भगवान प्रहलाद जी को देखे अत्यंत आकुल व्याकुल होकर उनके क्या करते हैं ना जिभा में चाटते हैं और भगवान अत्यंत दुखी हो जाते। बोले किस कारण के लिए? बोले कि प्रहलाद तू इतना छोटे उम्र में मुझे बुलाया मगर तेरा कुछ गलती नहीं पर मैं आने में भूल कर दिया इसलिए तुम मुझे क्षमा कर दो। बोले कि प्रहलाद महाराज बोलते कि प्रभु ये झुकने का ये अवतार नहीं, ये झुकाने के लिए अवतार। हाँ हो सकता है आप आने के लिए लेट कर दिए और सही समय में आपको उपस्थित हुए प्रभु। तो इस प्रकार ये प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को के लिए ही बर प्रार्थना की कि प्रभु हे नरसिंहदेव आप क्या करो ना पहले मेरा पिताजी को उद्धार करो। तो भगवान उनको कृपा करते बोले जितने सारे में अवतार ग्रहण किया किसी में मैं जो कंस को भी मारा रावण को मारा उसके साथ कभी पूजित नहीं होता हूँ यार, तुम्हारा पिता के साथ ही मैं पूजित होगा और ये तुम्हारा 21 पीढ़ी तक भी उनका उद्धार कर दिए। तो इस प्रकार ये प्रहलाद महाराजाचार्य ये नरसिंहदेव इस प्रकार उत्पन्न हुए। हम उनके श्री चरण को मन प्रार्थना करेंगे नरसिंहदेव हमारा अंदर में प्रकाशित होकर हमारे जितने सारे भक्तियों को बाधा है उनको नाश करे। बोल श्री नरसिंहदेव भगवान की कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं और हमारे जो सनातन धर्म में जब भगवान कृष्ण ही वो सारे अवतारों का अवतार का अवतार भगवान हमारे सनातन धर्म में विशेष करके दो भगवान की विशेष महत्व है।
एक राम है और एक भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। प्रसिद्धावर राम चंद्र की जय, प्रसिद्ध कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और एक बात आप थोड़ी ना आप पावन के बनाए पावन थोड़ी सी बता सकते पावन हो जाएगा ठीक है एक मिनट। हाँ देखो और एक अनाउंसमेंट सुने तेरे को अब सुन लो तो एक मिनट खड़े हो देखो इधर सुना ठीक से। कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले इसलिए कल जैसे हम जब मथुरा में रहते थे गुरुदेव क्या करते थे सब भक्तों को कल सवेरे आने के लिए बोलते थे क्योंकि कल का जो मंगल आरती है ठाकुर जी कल जन्म लेंगे ना कदे सारे साल का मंगला दर्शन करने का जो फल है कल एक बार अगर कोई कल जो ठाकुर का मंगला दर्शन करेगा सारे साल का मंगला दर्शन करने का फल मिलेगा। हम लोग कोशिश करना कल सबके सब 5 बजे मंगल आरती में आने के लिए और उसको बाद में गुरुदेव क्या करते थे बैठे करके गुरुदेव जो कृष्ण की जो सुंदर सुंदर भजन है भगवान कृष्ण की महिमा सूचक जो भजन है ये भजन को हम लोग बैठ करके गाते थे और हमारे गुरुदेव और ब्रह्मचारी लोग कृष्ण तत्व को ऊपर में बड़ी सुंदर सुंदर गुरुदेव कथा सुनाया करते थे। इसलिए कल हम कोशिश करना आप लोग सबसे प्रार्थना है आप लोग कल 5 बजे मंगलारती में आने के लिए। इसलिए जो मंगला दर्शन करता है ना उसको कभी भी अमंगल नहीं होता इसलिए सवेरे मंगलारती का नाम क्या है मंगल आरती क्योंकि जब ठाकुर का पट खोलेगा ना जो सामने खड़े हुए होते हैं उनको ऊपर में ठाकुर जी की दृष्टि पड़ता है और कल ठाकुर जी जन्म होते हैं और कल जिस दिन जन्म उत्सव है ठाकुर जी बड़े दयालु बड़े कृपालु कल जो ठाकुर जी को मांगोगे ना ठाकुर जी तुम्हारी सारी इच्छाओं को ठाकुर जी पूरे कर देंगे ठाकुर जी कल। इसलिए कल हम लोग जरूर कोशिश करना कल एक दिन के लिए हम तो रोज आपको बोलूंगा नहीं रोज तो कुछ माताएं आती है ये माता दी दो चार माता दी आती है लेकिन हमको कल के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ सबके सब कल सवेरे जरूर आना उसको बाद में हम बैठ के थोड़ा कीर्तन करेंगे और थोड़ी सी कृष्ण कथा सुनेंगे कृष्ण कौन है ठीक है। और दूसरी अनाउंसमेंट है कल तो भगवान का जन्मोत्सव होगा कल हम लोग बड़ी सुंदर सुंदर हमारे जो प्रभु जी श्याम प्रभु जी आए सुंदर सुंदर भजन गाएंगे और कोशिश करके कृष्ण भगवान की कथा सुनने के लिए कल और ठाकुर को ठीक 11:30 बजे ठाकुर जी की यहाँ अभिषेक भी ठाकुर जी की होगी और ठाकुर जी अभिषेक के बाद में और जो कल भूखे रह सकते हो कोशिश करना कल व्रत रखने के लिए हैं। इसलिए व्रत रखने के लिए अगर जो पूरे व्रत रखोगे दिन भर पानी तक भी नहीं लोगे ना ठाकुर का विशेष कृपा होगी और चरणामृत ले करके ही कुछ लेनी चाहिए नियम अगर ऐसे कर सकते हो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर जिनको रहा नहीं जाएगा आप लोग जैसे थोड़ा जूस ले सकते हो थोड़ी सी नींबू पानी ले सकते हो कोशिश करना और जिसको शुगर का बीमारी को विशेष कोई बीमारी रह नहीं सकते आप लोग अन्न नहीं लेकर ग्रहण करके जैसे फल फूल व जैसे आलू का जो सब्जी उसको ले सकते लेकिन जो पूरा रख सकते हैं 12 बजे तक ये सबसे बेस्ट है। हम देखना संसार में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए ना जन्माष्टमी तो 3-4 दिन तक चलेगी रोज रोज एकादशी व्रत चलती रखते कि नहीं करके हाँ इसलिए कोशिश करना कल पूरा व्रत रखने के लिए ठीक है। और एक अनाउंसमेंट है उसको बाद में आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी और जो वैसे दर्शन करके चले जाएंगे कल सभी के लिए बनाना शेक भी बनाया जाएगा और सबको जोड़े में सबको हम आलू की सब्जी बना करके हम सभी को जो दर्शन करके चले जाएंगे उनके लिए और जो आप लोग रहोगे जो अभिषेक दर्शन करके जाओगे आपके लिए पूरा पूरा 12 बजे के बाद में आपके लिए सबके प्रसाद। और एक हम काम विशेष काम करना चाहते हैं मथुरा में गुरुदेव ये काम करते थे हम सोच रहे हैं यहाँ पर ये काम का आज यहाँ पर भी हम करेंगे। देखो ध्यान देकर सुनो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं जन्म होने पर क्या होता है जितने ब्रजवासी भगवान नंद बाबा मैया जशोदा को बधाई देने के लिए आते हैं बधाई देने के लिए मथुरा में गुरुदेव क्या करते थे हमारे जितने भक्त लोग होते थे सब भक्तों को बोल देते थे तुम लोग अपना अड़ोसी पड़ोसियों को निमंत्रण दे देना निमंत्रण दे करके जो टोकरी होता है छोटी टोकरी में इसमें फल हो थोड़ी सी मिठाई हो कोई नमकीन हो है
कुछ चीज को वहां पर सब भक्तों घर से लेकर के एक जगह पर भक्तों को घर पर रखते थे। अब हम लोग मंदिर से जाते थे, जैसे ब्रजवासी लोग बधाई देने के लिए आते थे, हम लोग भी वैसे कीर्तन करते करते आते थे। इसलिए हम यहाँ सोच रहे हैं इस साल ये चीज को हम करेंगे, और विशेष करके कुछ कुछ भक्तों को घर में, जैसे हमारी उमा दीदी है, श्री बलराम प्रभु, इस साइड में आपका घर है ना, और उस साइड में और किसका घर है, हाथ उठा तो, उमा दीदी और श्री बलराम प्रभु का घर के तरफ में, मोनिका के घर, और किसका घर है, हाथ उठा, और कौन है इनके घर को सामने, आपके घर है, और कौन है यहाँ पर उस तरफ में, वो माता जी के घर है, और किसके घर है, इनके घर के तरफ में, हाथ उठाओ, यहाँ पर और कौन है, हाँ देखो, और जितने भक्त वही थे, ये आपका काम है माता जी उमा दीदी बलराम प्रभु, और जितने आप लोग पड़ोसी पड़ोसियों को भी एकत्रित कर लेना, सबको बोलना कम से कम अपना घर से एक टोकर में जो कुछ वो चाहते हैं, फल हो, मिठाई हो, नमकीन हो, जो भी कुछ चाहते हैं उसको ला करके आपका घर में, जितना देर घर पास में होगा, हम वहाँ पर जाएंगे कीर्तन करते करते, पहले हम इस तरह में शुरू करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे कीर्तन करते करते, कीर्तन करते करते फिर प्रेमचंद प्रभु घर में आएंगे, ठीक है ना। आपको अड़ोसी पड़ोस में जितने भक्त लोग होंगे उनसे आप बोल करके टोकर में आपका घर में रखेंगे, वहीं से फिर उधर से ऐसे कीर्तन करते करते इस तरह पर जाएंगे। मित्तल प्रभु का पत्नी है यहाँ पर, कहाँ गए, आपको आपका घर में जाएंगे, आपका जितने अड़ोसी पड़ोसी आप सबको एकत्रित करना, भगवान के जन्म उत्सव में हम बधाई ले करके हम भगवान को स्वागत करने के लिए जाएंगे, ठीक है। और उस तब शुभम शुभम को कही आए आगे यहाँ पर है, और तुम्हारी जितने अड़ोसी पड़ोसी होंगे तुमको भी सबसे एकत्रित करना, और उसको बाद में तुम्हारे हमारे चाची जी आप लोगों ने फिर कोशिश करना इनके घर में ले आने के लिए, और उस तरफ में जितने भक्त है, मैं तो जो भक्तों का नाम लिया, लेकिन जितने भक्त आप लोगों को, कोशिश करना आपका घर में तो पास में जो भक्त लोग हैं सबको बुला करके लाने के लिए, ठीक है, सबको कोशिश करना, क्योंकि भगवान जन्म ग्रहण कर रहे हैं। जब भगवान जन्म ग्रहण किए, बोले सारे साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, स्वर्ग से 33 करोड़ देवता भी आए थे स्वागत करने के लिए, स्वयं भोले बाबा आए थे, ब्रह्मा जी, नारद जी, इंद्र, चंद्र, सबके सब आए थे बधाई देने के लिए। आपका घर अपना ग्रह, आप कितना ग्रह, हम देख लेंगे, अगर तुम्हारी घर से अगर ज्यादा दूर नहीं हो, थोड़ी दूर हो, तो हम कोशिश करेंगे वहां पे जाने के लिए, बलराम प्रभु आपके सर्कल बनाना, जे किधर किधर से जाए, ठीक है, किसको किसको घर में जाए। इसलिए हम लोग इसको, कल तो कृष्ण जन्म लेंगे, इसको हम परसों, हम सोच रहे थे सवेरे करने के लिए, क्योंकि कल तो बाहर 1 बज जाएगा यहाँ पर, रविंद्र प्रभु बाहर 1 बज जाएगा, सवेरे को विश्राम करेंगे, इसलिए हम शाम को ही करेंगे, ठीक है। यहाँ से 5 बजे 4:30 बजे करके से हम यहाँ से 4:30 बजे निकलने जाएंगे, कीर्तन करते करते उधर सब जितने माताएं अपना सर ऊपर में टोकरी से बढ़िया बढ़िया चीज रख करके, और कल भगवान का जन्म उत्सव, जो आप अगर चाहोगे, जैसे ठाकुर का जन्म उत्सव, ठाकुर जन्म लेने का बाद हम कोशिश करेंगे ठाकुर जी की छापा भोग बनाने के लिए, इसलिए लता दी तो बोली मैं तो 15-16 तरह का बना लूंगी, इसलिए आप लोग भी कोशिश करना, जो अच्छी चीज बनाते हो कल भी थोड़ा थोड़ा बना करके ठाकुर जी के लिए लाना, ठाकुर जी का छापा भोग लगेगा जन्म उत्सव के बाद। और जो कल है आप लोग बोल रंग की साड़ी पहन कर क्या होगा, पीले रंग की साड़ी, ठीक है सबसे, और जो परसों है सबसे सब गुलाबी रंग की साड़ी पहन, जब हम लोग जाएंगे। और देखो इधर सुनो, जिन जिन माताओं को घर में हम जाएंगे उनको तो घर से आएंगे, लेकिन और जो माताएं हैं और हमारे जो भाई लोग हैं, आप लोग कोशिश करना यहीं पर आ जाएंगे, यहीं पर आ जाए, और जो आपका घर को पास में जिन जिनका हमने नाम लिया सामान वहीं पर रख लेना, वहीं से ले आएंगे, और जिनका घर वहाँ नहीं आप लोग मंदिर में आ जाना, हम यहीं से कीर्तन करते 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 हम लोग सबके साथ ही जाएंगे, ठीक है। कौन सा रंग की साड़ी पहन कर जाओगे परसों, गुलाबी रंग की, और कल कौन सा रंग की साड़ी पहन कर जाओगे,
मिला रहे हैं, ठीक है। सबके सब गोपी भाव से भगवान प्रेम की होते हैं ठाकुर जी, सबके सब गोपी भाव से ही सत हंसते कल आना, और बड़े अच्छे से धूमधाम से हम कोशिश करेंगे भगवान के नंद महोत्सव को अच्छे तरह से मनाने के लिए, ठीक है। बोले श्री नंद के लाला की जय, श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय जय श्री राम। ओम ज्ञान ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामने। सर्वप्रथम अपने हृदय नित्य लीला प्रविष्ट हो विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि धन ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि धन ज्ञापन करते हुए वृंदावन से आए पूज्यपाद राधा रमन महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि धन ज्ञापन करते हुए और समस्त ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन ज्ञापन हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवतम सप्ताह आयोजन हो रहा है। महाराष्ट्र की बहुत सुंदर सुंदर योजनाएं एकमात्र समस्त जीवों को भक्ति में लगाने हेतु, वास्तविकता तो ये है कि संसार के अंदर भक्ति को समझना तो बहुत दूर की बात है, उसको ढंग से श्रवण भी नहीं किया जा सकता, परंतु जो कि अत्यंत पवित्र परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र हैं, उनको अनुभव कराने की शक्ति ऐसी सत गुरु परंपरा और सतगुरुदेव में ही हो सकती है। श्री गुरुदेव की वास्तविकता यह है कि संसार में हम जितने भी जीव हैं कुछ ना कुछ उपाधि लिए हुए हैं, कोई स्त्री समझता है अपने आप को, कोई पुरुष समझता है, कोई सेठ समझता है, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई बहुत बड़ा नेता इत्यादि अपने आप को समझता है। वास्तविकता ये है कि ये सब माया है। माया का मतलब होता मां और या, मां मतलब नहीं, जो है नहीं उसको करके दिखाए वह माया। सत्य तो यह है कि हम सब जीव शक्ति से उत्पन्न हैं और समस्त जीव शक्ति से उत्पन्न होने के कारण समस्त जीव ही स्त्री है। स्त्री और पुरुष को हम समझेंगे किसे कहते हैं स्त्री और किसे कहते हैं पुरुष। स्त्री होते हुए भी भोगने की जो इच्छा है वह पुरुष स्वभाव है। तो स्त्री का कार्य क्या है? स्त्री का कार्य है जो बड़े प्रेम से सेवा करे वह स्त्री। तो वास्तविकता यह है कि हम सबके अंदर भोगने की जो इच्छा है, जो पुरुष स्वभाव लिए हुए बैठे हैं, यह हमें कभी भी भगवान के चिंतन में बढ़ने नहीं देता। तो अभी जो ये आयोजन हो रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, प्रश्नी और सुतपा ये दंपति भगवान के सुंदर भजन परायण रहते थे और भगवान की सुंदर तपस्या भक्ति किया करते थे। काफी वर्षों तक इन्होंने भगवान की तपस्या की और इन्होंने सुंदर दर्शन किया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा कुछ वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। देखो भक्त बड़े चतुर होते हैं, कृष्ण भक्त अति चतुर। क्या मांगा? सबसे ज्यादा अनमोल वस्तु, भगवान से ज्यादा अनमोल वस्तु है ही नहीं। हम लोग सोना चांदी हीरा इत्यादि धन को सबसे ज्यादा मूल्य मानते हैं, ये नश्वर है, किसी काम के नहीं, शरीर छूटा सब खत्म, लेकिन समस्त मूल्यवान वस्तुओं में जो मूल्य वस्तु है वो है भगवान। तो उन्होंने क्या मांगा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए।
अब भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे जैसा पुत्र तो और कोई हो ही नहीं सकता, तो मुझे ही स्वयं पुत्र रूप में आपके यहाँ आना होगा। तो भगवान कहलाए प्रश्नी गर्भ। जो ध्रुव महाराज ने तपस्या की और भगवान ने दर्शन दिए, वही चतुर्भुज भगवान वो प्रश्नी गर्भ ही थे। बोलो प्रश्नी गर्भ भगवान की। द्वितीय इन्हीं का जन्म हुआ कश्यप ऋषि और अदिति के रूप में। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, जिनका एक का नाम दीति था, दूसरा का नाम अदिति। दीति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। तो वास्तविकता में देखा जाए तो असुर और सुर अर्थात दैत्य और अदित्य देवता, ये दोनों भाई हैं। परंतु असुरों में भोगनी प्रवृत्ति ज्यादा है, यद्यपि देवता के अंदर भी भोगने की इच्छाएं विलासाएं बहुत हैं, तथापि ये मर्यादा में रह करके भोगते हैं और असुर अमर्यादित ढंग से भोग लेते हैं, इसीलिए वो असुर कहलाए और देवता लोग देवता कहलाए, क्योंकि ये मर्यादा में रहकर भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का आदर करते हुए इस तरीके से कार्य करते हैं। तो जो इनका तीसरा जन्म भी बता दूं, फिर वापस पुनः इधर आएंगे। तीसरा जन्म इनका है देवकी और वसुदेव, जिनके यहां साक्षात श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं, एक जन्म में नहीं तीन तीन जन्म में उनके पुत्र बने, तो इतने दयालु और कोई नहीं हो सकते, साक्षात परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र। तो अदिति जो है बहुत सुंदर तरीके से कश्यप ऋषि की सेवा करती है, दीति भी करती है। दीति एक बार बड़ी नाराज होते हुए कहती है कि मेरे समस्त पुत्रों को इस इंद्र ने मार दिया, इन देवताओं ने हमारे समस्त पुत्रों को मार दिया, कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करो जो इन देवताओं से बदला ले सके। तो यहां पर एक व्रत बताया कश्यप मुनि ने, कहा तुम इसको करो पायव्रत। पायव्रत किया, उसमें सिर्फ दूध पी करके रहना होता है और एक वर्ष तक बड़ी पवित्रता के साथ रहना होता है। कश्यप मुनि के संग से दीदी गर्भस्थ हुई और बड़ी पवित्र रीति से वो रहने लगी, लेकिन एक दिन प्रसाद पाकर के बिना मुंह हाथ धोए उसको निद्रा आ गई और सो गई। इंद्र को ये अवसर मिल गया, क्योंकि अपवित्रता में ही जो इनके गर्भ में गर्भ है उसको नष्ट किया जा सकता है। इंद्र ने सूक्ष्म रूप धारण करके उसको प्रवेश किया और उस गर्भ में जो शिशु था उसको उसके साथ खंड कर दिए। जब साथ खंड किए, वो रोते रोते बोले, हमें क्यों मारो भ्राता, हमें मत मारो। फिर उसके साथ खंड और किए, 49 उनके खंड कर दिए। वो पुनः रोने लगे कि भ्राता, हम तो तुम्हारे भ्राता हैं, हम सेवक बन के रहेंगे, हमें मारो मत। तो वो 49 व्रत कहलाए इंद्र की कृपा से, ठीक है अब मैं तुम्हें और नहीं मारूंगा, तुम्हारे अंदर सुर जैसे ही गुण हो जाएंगे। तो 49 व्रत ये कहलाए। यहां पर जो अदिति है, अदिति से पहले यहां पर जब ये बलि महाराज, यहां पर दैत्यों के जो महाराज हुए जिनके नाम से बलिदान शब्द प्रसिद्ध हुआ, इनसे बढ़कर कोई बलि देने में सक्षम नहीं है। ये प्रहलाद जी के पोते हैं और बलि महाराज बहुत सुंदर तरीके से देवताओं को हराते हैं। एक बार बहुत प्रचंड युद्ध हो रहा था, उसमें देवताओं ने असुरों को बहुत बुरी तरह से हराया और इंद्र ने अपनी शक्ति से बलि को संहार कर दिया। असुरों के जो पुरोहित हैं, बलि महाराज को
अचेतना आ गई और शुक्राचार्य जो पुरोहित थे असुरों के, उन्होंने संजीवनी से उनको पुनः जागृत किया। और वैसे भी प्रहलाद महाराज जी को अभी हमने श्रवण किया, नरसिंह भगवान ने पूरी कृपा की कि तुम्हें 21 जो तुम्हारे पीढ़ियां हैं उनको कोई भी कष्ट नहीं होगा और मेरे धाम को पहुंचेंगे, तो उनका वध कैसे हो सकता था। इसलिए बलि महाराज इनके पोते ही हैं और इस वजह से इनकी रक्षा हो सकी। उसके उपरांत यहाँ पर देवताओं को फिर से बलि महाराज ने हरा दिया और स्वर्ग में पूरा पुनः ये सिंहासन ग्रहण किया। यहाँ पर देवी देवता बड़े जो अप्रसन्न होकर के भगवान की आराधना करते हुए ब्रह्मा जी को सन लेकर क्षीर सागर गए हैं और कहा, हे प्रभु हम पे कृपा करो, हम पे कृपा करो, ये असुर हमें जीने नहीं देते, कृपा करके इनका दलन करो, इनको हराओ और हमें फिर से स्वर्ग प्रदान करो। तब यहाँ पर भगवान ने कहा, चिंता ना करो, मैं कश्यप और दिति के गर्भ से अभी प्रकट होकर के आऊंगा और पुनः तुम्हें ये स्वर्ग का सिंहासन प्रदान करूंगा। जब ये हुआ तो थोड़े ही दिनों में दिति जो स्वभाव से बड़ी मर्यादित भक्त थी, उनके गर्भ से श्री वामन देव प्रकट हो गए। बोलो वामन देव भगवान की। ये बड़े सुंदर तो है ही, भगवान सुंदर है, लेकिन अपने आप को एक छोटा रूप में हमेशा रखते थे, ब्रह्मचारी रूप में, और सिर पर छाता और हाथ में कमंडल और एक छोटी सी लकुटी लेकर के हरिनाम करते हुए चलते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पहुंचे हैं कहां, जहां बलि महाराज यज्ञशाला में बैठे हुए 99 अश्व मेध यज्ञ कर चुके थे। 100वां अश्व मेध यज्ञ यदि हो जाता तो वो जो सिंहासन था स्वर्ग का, वो अनिश्चित काल तक बलि महाराज का हो जाता। लेकिन उससे पहले ही वामन भगवान वहां पहुंचे और कहा, हे बलि महाराज, आप बहुत मानद राजा हैं, महाराज हैं, कृपा करके इस पटुक को कुछ दान दो। ये सुनकर के बलि महाराज बड़े ही आनंदित हुए, कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मचारी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कितना दान चाहिए, एक पूरा का पूरा शहर जितनी पृथ्वी दे दूं आश्रम के लिए, या जितना तुम कहो उतना कोष मैं धन दे दूं तुम्हें, जिससे तुम्हारी 100 पीढ़ियां तक कभी कभी भी भिक्षा नहीं मानेंगी। ये सब बात कहने लगा तो बट जो वामन है वो क्या बोल रहे हैं, हे बलि महाराज, मैं साधारण ब्रह्मचारी, मुझे इतना धन और इतनी जमीन की कोई आवश्यकता नहीं, एक ब्रह्मचारी को कैसे जीना चाहिए जिसमें वो रह करके बड़े आनंद से भजन कर सके, इतनी सी जगह और इतना भोजन जिससे कि उसको किसी प्रकार की भूख व्याधि इत्यादि उसको परेशान ना करे, उसका भजन पुष्ट हो सके, इसलिए मुझे 3 पग भूमि प्रदान करो। तो उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, अरे तुम मुझसे मांगते तो मैं लोक के लोक दे देता। तब वामन भगवान ने बोला, नहीं नहीं, मुझे मात्र 3 पग भूमि दो और उसके लिए पहले संकल्प करो। जब संकल्प करने की बारी आई तो मुंडल में जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। शुक्राचार्य जी ने इंद्र को बलि महाराज को कहा, हे बलि, तुम क्या करते हो, जानते नहीं हो, ये छलिया है, ये विष्णु है, ये कृष्ण है, तुम्हें छल लेगा और ये 3 पग में समस्त लोक को नाप लेगा, तुमको, तुम्हारे पत्नियों को, रानियों को, और यहां तक कि मुझे भी इसका दास बनकर रहना होगा। क्या करते हो बलि, सोच लो, विचार कर लो। नहीं नहीं गुरुदेव, यदि ये विष्णु है, ये कृष्ण है, ये भगवान है, तो फिर सोचना क्या, अरे भगवान साक्षात मेरे दर पर आए हैं और मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो मुझे निश्चित तौर से इनको पूर्ण तरीके से इनकी पूजा वंदना और जो कुछ ये इच्छा करते हैं मेरा देने का कर्तव्य है। हे गुरुदेव, कृपा करके हट जाइए। तब गुरुदेव सूक्ष्म रूप में कमंडलों के अंदर जहां से छिद्र होता है उस पे जाकर के बैठ गए। जैसे ही संकल्प के लिए जल लेने लगे बलि महाराज, कमंडलों में से जल ना निकले। अब जल निकला नहीं और यहां पर जो बलि महाराज है वो कह रहे हैं, हे ये देखो जल नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो बटुक जो है, ब्राह्मण जो है, छोटे से जो बोने रूप में है, भगवान वामन कह रहे हैं, लाओ इधर कमंडल दो। और एक सीख ली और उसको दे मारी। जैसी सीख मारी, शुक्राचार्य जी आंख में सीख लगी और वो फूट। शुक्राचार्य जी हाय हाय मर गया कहते हुए भागे वहां से
और काम बलि किनको मरे। तो इस प्रकार से वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो भगवान वामन देव जुकी। और जब शुक्राचार्य चले गए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे गुरुदेव ने बार बार मुझे और आपके जो प्रेम संबंध है उसमें आकर रुकावट डाली, कृपा कीजिए आप तीन पग लीजिए, जहां से आप नापना चाहते नापिए। प्रथम जो पग बढ़ाया है और वो छोटे से जो गोने रूप में जैसे बालक है ये वामन देवी है। वामन देव जो है एकदम से उन्होंने आकार बढ़ाना शुरू किया और ऐसा आकार बढ़ाया जो इनके घुटने हैं मात्र घुटने तक ही दिख रहे हैं, ऊपर का पूरा का पूरा जो वामन देव दिखने रहे, इतना बड़ा आकार कर लिया। और एक पग से पूरा का पूरा पृथ्वी लोक से लेकर के जो है ब्रह्म लोक तक पूरे सात लोक नाप दिए। दूसरे चरण को जब उन्होंने नापना शुरू किया तो पृथ्वी से लेकर के नीचे